नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप में से अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 गाइज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कहानी को सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक कंपाइलेशन वीडियो है जिसमें पांच सबसे अच्छी कहानियां आज आपको सुनाऊंगा। आप में से काफ़ी लोगों ने ये कहानियां सुन रखी होंगी, पर कोई कमेंट में ये मत बोलना कि आपने ये स्टोरी कॉपी की है यहाँ से उस चैनल से, क्योंकि दोस्तों ये मेरे ही चैनल की पुरानी कहानियाँ हैं जिसे काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी क्योंकि उस टाइम पर व्यूज़ कम आए थे। इसलिए मैं उनको एक कंपाइलेशन बनाकर आज अपलोड कर रहा हूँ। आज की कहानी हमें विकास सैनी जी ने भेजी है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो है और नहीं करते तो नहीं है। ये बात जितनी भगवान के लिए सच है उतनी ही प्रेत आत्माओं के लिए भी है। पीयूष इन सब बातों को मन का वहम मानता था। जमाना 21वीं सदी में चल रहा है और आप इन बातों पे विश्वास करते हो, ऐसा पीयूष लोगों से कहता था। पीयूष अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेज के हॉस्टल में रहने आया था। उसे तीसरे फ्लोर पर कमरा नंबर 320 मिला था। उस कमरे में पहले से ही दो लड़के अंकुश और रवि रहते थे। पीयूष रवि को स्कूल के दिनों से ही जानता था। रवि ने पीयूष को हॉस्टल में होने वाली उसकी रैगिंग के बारे में बताया। पीयूष बिंदास लड़का था, फिर भी उसे रैगिंग में मिलने वाले टास्क को लेकर थोड़ा सा डर था, मगर उसके सीनियर्स ने उससे हॉस्टल के हर एक लड़के के पैर छूने के लिए कहा। यूं तो ये आसान काम था, मगर इतना भी आसान नहीं था। तीनों फ्लोर के लड़कों के पांव छूने में ही सारा दिन निकल गया। इस बात को लेकर पीयूष की सीनियर राघव और सुहेब से कुछ बहस हो गई थी, मगर पीयूष ने अपना टास्क पूरा कर ही दिया था। अब बचा था तो बस कमरा नंबर 326। वह जैसे ही उसका दरवाजा खटखटाने आगे बढ़ा, अंकुश ने उसे बताया कि उस कमरे में कोई नहीं रहता और वहां किसी हादसे की वजह से कमरा नंबर 327 भी खाली है। दरअसल ये बात पीयूष के आने से 2 माह पहले की थी। एक लड़का जॉन मार्टिन रूम नंबर 327 में रहने आया। जॉन भी पीयूष जैसे आधुनिक ख्याल रखता था। उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। उसे कुछ लड़कों ने बताया कि यहाँ तीसरे फ्लोर पर कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी सुनने में आ चुकी हैं। जॉन हंसकर अपने कमरे में चला गया। जॉन उस कमरे में अकेला ही रहता था। नए एडमिशन तो हो रहे थे, मगर अभी तीसरे फ्लोर तक कम ही बच्चे रहने आए थे। जॉन में दूसरों से अलग एकांत में और शांत रहने की आदत थी। वह नई चीजों को खोजने में लगा रहता था। उसने सोचा क्यों ना आज रात कमरा नंबर 326 के बारे में पता लगाया जाए, जो उसके कमरे के सामने ही था। वह सोचता था कि ये पक्का किसी की शरारत है। रात के 11 बज चुके थे। जॉन 12 बजने का इंतजार कर रहा था। लड़कों के मुताबिक आवाज ठीक 12 बजे गूंजनी शुरू होती है। 12 बजने में 1 मिनट कम था। जॉन कमरे से बाहर आया और अचानक उसे क्या सूझी कि उसने कमरा नंबर 326 का दरवाजा खोल दिया। यूं तो वो कमरा खाली था, मगर वहां जॉन को बड़ा अजीब लग रहा था, मानो कोई परिवार यहाँ रहता हो। जॉन को कुछ आवाजें गूंजती हुई सुनाई देने लगी, मानो किसी महिला की आवाज हो। जॉन दौड़कर अपने कमरे में घुस गया, मगर कमरा नंबर 326 का दरवाजा बंद करना वो भूल चुका था। वह चादर से मुंह ढककर लेट गया, मगर अचानक उसने कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास किया। उसकी चादर मानो कोई खींच रहा था। उसने जैसे ही मुंह से चादर हटाई, एक महिला की आकृति को अपने सामने पाया, जिसके बाल खुले थे। जॉन के कमरे का बल्ब कभी जल रहा था तो कभी बंद हो रहा था। अब उस बल्ब में ऐसा बहुत तेजी से हो रहा था। उस महिला के बराबर में एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी। उन दोनों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। वह चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज गले में ही रुक चुकी थी। अचानक उस महिला ने हाथ बढ़ाकर जॉन का गला पकड़ लिया और जॉन गला छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। अचानक वो छोटी बच्ची यह देखकर रोने लगी। महिला ने जॉन का गला छोड़ दिया। जॉन बेहोश हो चुका था। सुबह जब सबने जॉन को बुरी हालत में पाया तो
उन्होंने जॉन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और जॉन के अंकल फादर जोसेफ जो एक चर्च में पधारी थे उन्हें सूचना दी गई। सूचना पाकर फादर जोसेफ वहां आ गए। पहले तो वह जब जॉन से मिलने हॉस्पिटल गए तो उन्होंने जॉन की आंखें देखकर ही पहचान लिया था कि ये काम किसी साये का है। फादर जोसेफ हॉस्पिटल आए, वहां आकर उन्होंने लड़कों से हॉस्टल की इन अजीब घटनाओं के बारे में पूछा। किसी को भी पूरा पता नहीं था। 12 बजे के बाद हॉस्टल के आगे के आंगन में कोई बाहर नहीं निकलता था। अगर किसी को टॉयलेट जाना होता था तो वह अपने साथियों के साथ ही जाता था। फादर जोसेफ समझ चुके थे कि उन्हें अब खुद ही पता लगाना होगा। फादर जोसेफ उस कमरे के सामने आए और उन्होंने आंखें बंद करके कुछ सोचा। फिर जब वे कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि वहां सचमुच में कुछ है। उन्होंने पवित्र जल को वहां छिड़का, मगर वह ये अच्छे से जानते थे कि जो यहाँ है वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल यहाँ कुछ न कुछ गलत होगा ही। फादर जोसेफ फिर जॉन से मिलने गए। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वह बहुत ज़्यादा डर चुका था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। फादर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। जल्द ही 2 दिनों में जॉन की तबीयत में कुछ सुधार हुआ, मगर वह अब हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था। फादर जोसेफ ने उसे कहीं और कमरा दिला दिया। जॉन अब पियूस की ही क्लास में पढ़ता है और एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। वह आज भी हॉस्टल में जो हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। सबको ये पता था कि जॉन के साथ कुछ गलत हुआ है, मगर क्या ये कोई नहीं जानता था। जॉन अब हॉस्टल के पास वाले रास्तों से भी नहीं गुजरता था। फादर जोसेफ ने जाते जाते अभिमंत्रित जल छिड़क कर कमरा नंबर 326 को ताला लगा दिया था। जाते जाते उन्होंने लड़कों को ये कहा, मैं तो जॉन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, मगर याद रखना यहाँ जो होने वाला है उसे कोई नहीं टाल सकता। जॉन तो फादर जोसेफ के साथ चला गया, मगर छोड़ गया एक ऐसा राज जो आगे सबके लिए खौफनाक मंजर लाने वाला था। जिसका ट्रेलर जॉन ने देखा था वो पूरी कहानी अब शुरू हुई थी। काश जॉन ने उस हादसे के बारे में बता दिया होता, काश प्यूस यहाँ आया ही नहीं होता। राजीव कमरे में अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। राजीव पीयूष का बड़ा भाई था जो उसी शहर में पीयूष से 10 किलोमीटर दूर रहता था। राजीव के चेहरे पर कुछ सिकंद दिख रही थी। पीयूष जॉन के साथ हुए हादसे को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे अब भी यह बात सच नहीं लग रही थी। पीयूष आज काफ़ी खुश था क्योंकि उसका पिछला कॉलेज प्रोजेक्ट सबसे अच्छी तरह पूरा हुआ था। मगर आज जब पीयूष कॉलेज पहुँचा तो पता चला कि उन्हें नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट में उन्हें एक एक सीनियर गाइड करने वाला था। पीयूष की टीम में रवि और एक लड़की शैफाली थी और उनकी टीम का लीडर राघव था। अंकुश और जॉन की टीम में जानवी थी और उनका लीडर शोहेब था। उन्हें किसी भी एक सामाजिक विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करना था। प्रोजेक्ट सबमिट करने में अभी बहुत वक्त था। पीयूष जब भी हॉस्टल में होता था उसे वहाँ अजीब सा एहसास होता रहता था। हॉस्टल शहर के एक छोर पर था जहाँ एक दो कच्ची दुकानों के अलावा कुछ नहीं था। हॉस्टल में पीयूष और अंकुश बैठकर अभी एक दूसरे के प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे कि रवि उनके लिए खाना ले आया। पीयूष को देर रात तक जाकर पढ़ने का शौक था, इसलिए वह बार बार उठकर पहले फ्लोर से पानी लेने और वॉशरूम जाता रहता था। हालांकि दिन और शाम 9-10 बजे तक की बात अलग थी, मगर 10-10:30 के बाद फ्लोर पर कोई भी आंगन में नहीं होता था। फ्लोर पर एक खौफनाक सा सन्नाटा छा जाता था। यूं तो अधिकतर लड़के आधुनिक ही थे, मगर अपनी जान जोखिम में डालकर इसका सामना करने का शौक किसे था। और जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहता अगर पीयूष ने कुछ किया ना होता। रात को 12 बजे साए साए की आवाज गूंज रही थी। शायद इसके पीछे का कारण हॉस्टल के पास में एक बाग का होना था। पीयूष का रूम उस 326 से कुछ दूर था, मगर आवाज़ तो पूरे फ्लोर पर ही गूंजती थी। पीयूष ने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ गहराती जा रही थी, मानो वो उसके कमरे के पास ही आ रही हो। पीयूष हैरान था कि कैसे सब लोग आवाज़ सुनकर भी इन घटनाओं को अनसुना कर पा रहे हैं। मगर अब पीयूष जरा सा सहम गया था। वह अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अचानक आवाज़ कुछ कम सी हुई तो पीयूष ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलकर आंगन में देखना चाहा,
आंगन में मंद मंद रोशनी थी जो एक पुराने बल्ब की थी। पूरे फ्लोर पर इस कदर धुआं सा उठ रहा था मानो कोहरा सा हो। पीयूष रूम से बाहर आकर वॉशरूम की ओर जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर कोई घेरा है। एक अजीब सी हवा को वो अपने चारों ओर महसूस कर रहा था। वॉशरूम जाने से पहले ही बीच में कमरा नंबर 326 था। पीयूष जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। अचानक फ्लोर की लाइट्स चली गई। पीयूष को लगा लाइट का जाना आम बात है। कुछ परछाइयां सी उसे चारों ओर दिखाई दे रही थी। अब पीयूष को कुछ असाधारण सा लगा। उसने सामने देखा कि एक काली बिल्ली सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ रही है। पीयूष बिल्ली की ओर बढ़ा मगर वो एक बुत सी वहीं रुकी रही। अचानक बिल्ली तेज आवाज करती हुई सीढ़ियों से नीचे की ओर भाग गई। पीयूष का एहसास हुआ कि रूम नंबर 326 में कोई बच्चा हंस रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई बच्चा उस कमरे में अपनी माँ की लोरियां सुनकर हंस रहा है। पीयूष कमरे की ओर बढ़ा और पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने दरवाजा खोलना चाहा। वह दरवाजा खोल ही देता अगर एक हाथ ने उसे पीछे से ना खींचा होता। पागल है क्या तू लड़के? क्या उस चिंगारी को हवा देने जा रहा था जो सबको जलाकर राख कर देती? यह कहते हुए राघव ने पीयूष को अपने कमरे में खींच लिया। राघव का कमरा था कमरा नंबर 328 जो 327 के बराबर में था। 327 के सामने वाला कमरा 326 था। राघव ने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। पीयूष ने बताया कि वो कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा था। राघव बोला, देख भाई, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तब से यहाँ रोज इन चीजों को देखता आ रहा हूँ मगर कभी कोशिश नहीं करी इनमें झांकने की। जैसा चल रहा है चलने देना, ये पहली जगह थोड़ी है जहाँ ऐसा कुछ होता है। राघव ने यह भी बताया कि फ्लोर पर जितनी ज्यादा चहल पहल होती है उतना ही कम यहाँ ऐसा होता है। मगर जब छुट्टी होने पर सब घर जाने लगते हैं तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है। और अभी तो वैसे भी नए एडमिशन हो रहे हैं इसलिए थर्ड फ्लोर खाली सा है। राघव बता ही रहा था कि आवाज आनी फिर से शुरू हो गई। राघव ने पीयूष को सुबह होने तक वहां से नहीं जाने दिया। पीयूष हैरान था कि कैसे राघव इन घटनाओं के बीच रह पा रहा था। आज कॉलेज में पीयूष काफी परेशान सा दिख रहा था। शायद अभी भी वो उस रात की बात को भुला नहीं पा रहा था। तभी जानवी आकर उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। उसने पूछा, कैसे हो मिस्टर? ठीक ही हूँ। क्या हुआ, मुंह कैसे लटका हुआ है जनाब का? कुछ नहीं, बस वो हॉस्टल अजीब सा ही है। कहीं तुम बाग के पास वाले हॉस्टल में तो नहीं रहते? जानवी ने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? पीयूष ने चौंक कर पूछा। वो मुझे जाना है अभी, अंकुश और जॉन मेरा प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए वेट कर रहे होंगे। ऐसा कहकर जानवी चली गई। पीयूष को उसका इस तरह जाना कुछ अजीब लगा। शायद जानवी कुछ छुपा रही थी। हॉस्टल आकर पीयूष ने देखा कि रात वाली बिल्ली सीढ़ियों पर अब भी बैठी हुई थी। तेज धूप हो रही थी। पीयूष को कल रात से इन बातों में कुछ यकीन सा होने लगा था। वह समझ गया कि ये बिल्ली उस साय से संबंधित नहीं है। तभी तो वह दिन में भी आराम से सीढ़ियों पर खुलेआम बैठी सुस्ता रही थी। फर्स्ट फ्लोर पर वार्डन का कमरा था जहाँ वार्डन और चौकीदार बैठे हुए बातें कर रहे थे। पीयूष उनके पास गया। भैया, यहाँ जो ये बातें रात को होती हैं, आप लोग इसके बारे में जानते हैं क्या? पीयूष ने पूछा। कौन नहीं जानता, मगर क्या करे भैया, सबको जान प्यारी है। हम ध्यान ही नहीं देते ताकि कहीं डर से हमें हार्ट अटैक ना आ जाए। और हिम्मत आ भी गई सामने जाने की तो वही हमें मार देगी। मार देगी? मतलब वो लड़की है? पीयूष ने पूछा। हाँ भैया, आवाज से तो यही मालूम होता है। क्या यहाँ कभी कोई लड़की रही है? पीयूष ने आगे पूछा। कैसी बात कर रहे हो, बॉयज हॉस्टल में लड़की कहाँ से आएगी? चौकीदार बोला। अच्छा, यहाँ हॉस्टल बनने से पहले क्या कुछ और था? नहीं, वैसे आप इतनी तहकीकात काहे कर रहे हो? चौकीदार ने हंस कर पूछा। बस ऐसे ही, कहकर पीयूष चला गया। पीयूष ने आज फिर पता लगाने की सोची मगर आज उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो हमेशा के लिए पीयूष को बदल कर रख देता। आज रवि और अंकुश पीयूष को कमरे से बाहर ही नहीं जाने देना चाहते थे। रात को 12 बजे से पहले ही पीयूष ने कमरा नंबर 327 खोला और उसके दरवाजे में कुछ इस तरह सुराख किया कि वह उसके आगे के आंगन को देख सकता था बिना कमरे से बाहर निकले। यह कमरा जॉन के जाने के बाद से ही खाली था।
जब रवि और अंकुश ने पीयूष को 11 बजे ही बाहर जाने से मना किया तो उसने राघव से प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए उसके रूम में जाने का बहाना बना दिया। पीयूष कमरा नंबर 327 में आकर बैठ गया और 12 बजने का इंतजार करने लगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह ये काम कर रहा था। रात के 12 बजे का समय हुआ। पीयूष सुराग के आगे आंख लगाकर बैठ गया। उसने आवाज को महसूस किया जो आज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि रूम नंबर 326 बिल्कुल पास था। अचानक से कोहरा वाला धुआं छा गया। बल्ब भुज भुज कर जल रहा था। चीखे और पुकारे गहरी होती जा रही थी। फिर किलकिलारी की आवाज गूंजी। अचानक आवाज आनी बंद हो गई। ऐसा कल भी हुआ था उतने ही समय बाद। यह सोचकर कि शायद अब सब कुछ थम चुका है, पीयूष बाहर आया। शायद यही वो गलती थी जो पीयूष ने ना की होती तो बहुत कुछ होने से रुक सकता था। पीयूष ने किसी के आने की आहट को महसूस किया। वो कदमों की आहट दिल में दहशत पैदा करने वाली थी। तभी 326 का दरवाजा खुला और उसमें से कोई बाहर निकला। पीयूष की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। सुबह को रवि की आंखें खुली तो उसने पाया कि उसके कमरे में दो लड़के पीयूष को लिटाकर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पीयूष आंगन में बेहोश पड़ा हुआ था। वे लोग ही उसे उठाकर लाए थे। रवि समझ गया कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन तभी जो भीड़ सुहेब के कमरे के आगे जमा थी उसने रवि को हिलाकर रख दिया। सुहेब कमरा नंबर 329 में रहता था, जो फ्लोर का आखिरी कमरा था। रवि ने देखा कि अंकुश आगे खड़ा था और उसने बताया कि कल रात सुहेब ने सुसाइड की है। रवि यह सुनकर पूरी तरह हिल गया था। हॉस्टल में क्या चल रहा था कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। रवि और अंकुश अब पीयूष के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद जब पीयूष को होश आया तो रवि और अंकुश उससे पूछने लगे कि कल रात वह कहाँ था और वह बेहोश कैसे हुआ। राघव उन्हें पहले ही बता चुका था कि पीयूष पिछली रात उसके साथ नहीं था। पीयूष खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और ना ही शायद समझना चाहता था कि क्या चल रहा है। उसने उन्हें एक शब्द नहीं बताया। थोड़ी देर बाद उसने उठकर पानी पिया और कुछ सोचने लगा। फिर वह कमरे से बाहर आया। वह ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वार्डन और चौकीदार सुहेब की सुसाइड को लेकर बहुत परेशान दिख रहे थे। पीयूष को भी सुहेब के बारे में पता चला, लेकिन वह बिना किसी को कुछ बताए सीधा चला जा रहा था। रात जो हुआ था उसे वह अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस आंगन में दिन में इतनी चहल पहल रहती है और रात होते ही ये सब। कहानी शुरू हो चुकी थी। अपने अंदर कई राज समेटे कमरा नंबर 326 दिन में भी किसी खौफ से कम ना था। क्या थे ये राज? वह कौन सा पहलू था जो पीयूष अपने दोस्तों से छुपा रहा था? वह कौन सा पहलू था जिसकी वजह से सुहेब ने आत्महत्या की थी? जानवी हॉस्टल के बारे में क्या जानती थी? पीयूष एक पार्क में अकेला बैठा हुआ था जो हॉस्टल से लगभग 800 मीटर दूर था। पता नहीं वह किस सोच में गुम था। तभी जानवी भी वहां आकर बैठ गई। जानवी ने पूछा, अब क्या हुआ? क्यों हवाइयां उड़ी हुई है? पीयूष ने कोई उत्तर नहीं दिया। जानवी ने कहा, मैंने कहा था ना कि वो हॉस्टल ठीक नहीं है, तुम वो हॉस्टल छोड़ दो। क्यों छोड़ दो मैं उस हॉस्टल को? और क्या जानती हो तुम उस हॉस्टल के बारे में? साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? पीयूष ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। कहकर जानवी उठकर चली गई। अगले 2 दिनों तक पीयूष रूम से रात को बाहर नहीं निकला, मगर वो आवाज और वो दहशत अब भी छाई हुई थी। बल्कि अब तो पीयूष रात को चैन से सो भी नहीं पाता था। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर आ जाता था जो उसने उस रात देखा था। अब उसे हर वक्त अपने चारों ओर अजीब सा एहसास होता था। वह कॉलेज में भी सहमा हुआ रहता था। रवि और अंकुश भी उसे इस तरह देखकर परेशान थे। अंकुश, जॉन और जानवी की टीम का लीडर राघव को ही बनाया गया। सुहेब के जाने के बाद से राघव बड़ा परेशान सा रहने लगा था। पीयूष सैफाली को बहुत पसंद करता था, मगर कुछ दिनों से वह उससे भी कुछ बात नहीं करता था। हॉस्टल के बाहर एक कच्ची दुकान थी जिस पर चाय बिस्किट खाने का सामान रहता था। अक्सर वह रात को 9 बजे ही दुकान बंद करके चला जाता था, मगर आज रात वह शराब के नशे में दुकान के एक कोने में लेटा हुआ था। काफी देर बाद उसे हल्का सा होश आया और वह दुकान बंद करने की तैयारी करने लगा। उसकी दुकान कमरा नंबर 326 के सामने बिल्कुल नीचे थी।
रात होते ही हॉस्टल सुनसान वीरान हो जाता है, यह बात उसे अच्छे से पता थी। अचानक उसने नजरें उठाकर ऊपर की ओर देखा तो उसने पाया कि उस कमरे में लाइट जल रही है, जबकि सालों से कोई उस कमरे में गया तक नहीं था। अचानक तेजी से लाइट जलने बुझने लगी, फिर एकदम से बंद हो गई। आवाज गूंजनी शुरू हो गई थी। चारों ओर खौफ का माहौल छाने लगा। अचानक कुछ परछाइयां कमरे की खिड़की पर दिखने लगी और तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और आंगन की हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह देखकर दुकानदार के होश उड़ गए और वह दुम दबाकर भाग गया। अगली सुबह उसकी दुकान के आगे भीड़ जमा थी। वह सबको रात की घटना के बारे में बता रहा था। उसने बताया कि दरवाजा खुला था और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ था। तभी एक लड़का कहने लगा, दरवाजा तो कई महीनों से बंद है, भला कैसे खुल सकता है और खोलने का जोखिम कौन उठाएगा? और दूसरी बात यह है कि सुनने में आया कि वो महिला सी दिखती है, तो तुम्हें आदमी क्यों दिखा? सब दुकानदार का मजाक उड़ाने लगे। सबने सोचा कि ये शराबी शराब के नशे में रहता है, जिस वजह से इसे ऐसा लगा होगा। लेकिन हॉस्टल की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता था। पियूष जानता था कि दुकानदार सच बोल रहा है। वह दुकानदार के पास आकर उसकी बातें गौर से सुन रहा था। तभी पियूष के बड़े भाई राजीव का फोन आया। राजीव बोला, दिवाली की छुट्टियां होने वाली है, घर चलते हैं, इसलिए मैं आज अपने दोस्त लोकेश के साथ तुम्हारे हॉस्टल आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। दिवाली की छुट्टियां हो रही थी इसलिए सब लड़के अपने घर जा रहे थे। थर्ड फ्लोर पर पीयूष, रवि, अंकुश और राघव भी बचे थे, मगर राघव किसी से मिलने बाहर गया हुआ था। शाम को राजीव और लोकेश आए। वे दोनों पीयूष से मिलकर काफी खुश थे। रवि और अंकुश भी उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसे लेकर आए। पांचों ने मिलकर बहुत मस्ती की। रवि और अंकुश ने राजीव को हॉस्टल की घटनाओं के बारे में बताया, मगर पीयूष ने अपनी वाली घटना बताने के लिए उनसे पहले ही मना कर दिया था। राजीव और लोकेश को यह सब मजाक लग रहा था। वे दोनों उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लोकेश और राजीव बालकनी में खड़े थे, तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा हो, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। राजीव मजाक उड़ाते हुए बोला, लोकेश क्यों ना उसी कमरे में रहा जाए जिसके बारे में लोग बता रहे हैं। लोकेश बोला, बिल्कुल। पीयूष चिल्लाकर बोला, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को ये मजाक लगता है? राजीव हंसते हुए बोला, अरे हम लोग तो मजाक कर रहे थे। तभी राजीव पीयूष से घर चलने के लिए कहने लगा। पीयूष ने जाने से मना कर दिया। अब तक राजीव को पीयूष के हॉस्टल और उसके साथ हुए हादसे के बारे में कुछ पता नहीं था। पीयूष के मना करने पर राजीव गुस्सा हो गया था। दोनों भाइयों में बहस होने लगी। आखिर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राजीव उठकर कमरे से बाहर चला गया। रात के करीब 10:30 का टाइम था। बाहर आकर गुस्से में उसने 326 के दरवाजे पर जोर से लात मारी। अचानक उसे लगा कोई अंदर से जवाब दे रहा हो, मगर वह नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। लोकेश भी राजीव के पीछे पीछे उसे मनाने चला गया। वे दोनों शांति से कमरा नंबर 327 में जाकर बैठ गए। उधर पीयूष ने रवि से फोन लगाकर राजीव को कमरे में आने को कहा, क्योंकि वह खुद मनाना नहीं चाह रहा था। राजीव ने मजाक में कह दिया, अपने दोस्त से कह दो कि हम लोग एक रूम में आराम से बैठे हैं। पीयूष ने सोचा कि शायद वे दोनों राघव के साथ बैठे होंगे। काफी देर बाद राघव का फोन आया, जिसने बताया कि वह कल शाम तक भी नहीं आ पाएगा। यह बात सुन पीयूष सन रह गया। वह समझ गया कि राघव भी यहाँ नहीं है और बाकी सबके कमरों में भी ताले लगे हैं, मतलब कुछ गलत होने वाला है। उसने घड़ी में टाइम देखा। टाइम था 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट। दहशत का मंजर शुरू हो चुका था। राजीव दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मजाक मजाक में लोकेश उनके कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया था। लोकेश और राजीव के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वे दोनों बैठे हुए सामने वाले कमरे 326 की ओर देख रहे थे। अचानक उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो उस कमरे के दरवाजे पर किसी की आहट हो रही हो। चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजना शुरू हुई। करुण विलाप करती हुई महिला की आवाज जो पूरे फ्लोर को चीर कर रख देने वाली थी, क्योंकि यहाँ थर्ड फ्लोर पर सिर्फ ये 5 लोग ही थे, इसलिए आवाज आज बहुत ही तेज और खौफनाक थी। राजीव और लोकेश के तो होश ही उड़ चुके थे। वहीं पीयूष भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आज खौफ का आलम इतना ज्यादा था कि हर दिन नॉर्मल रहने वाले रवि और अंकुश भी थर थर कांप रहे थे। खौफ आज अपने चरम पर था। राजीव हिम्मत जुटाकर दरवाजा बंद करने को लपका। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, एक झटके के साथ दरवाजा खुला और जो राजीव दरवाजे से लग कर खड़ा था वह आगे जाकर गिरा।
दरवाजा फिर खुल चुका था और तुरंत उनके सामने वाला कमरा 326 का भी दरवाजा खुला और उन्होंने देखा उसमें से एक छोटी बच्ची बाहर निकलकर उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसकी उम्र 4 से 5 साल लग रही थी। लोकेश डर से बहुत ज्यादा सहम गया था कि वह चिल्लाने लगा, राजीव भाई अब क्या होगा। शायद राजीव को पुकारना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक वह बच्ची रुकी और उसने आंखें ऊपर उठाकर राजीव की ओर देखा। उस बच्ची की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। तभी अचानक एक महिला की परछाई भी दीवार की ओर दिख रही थी। ऐसा लगा मानो उसने इशारे से उस बच्ची को बुलाया हो। बच्ची आगे चल रही थी मगर वह मुड़ मुड़ कर पीछे की ओर सिर्फ राजीव को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारा प्रकाश सिर्फ एक ही इंसान पर आकर रुक गया हो और वो इंसान था राजीव। आवाजें गहराती जा रही थी। 326 कमरे का दरवाजा बार बार खुल और बंद हो रहा था। राजीव और लोकेश को अब एहसास हो रहा था कि उन्होंने पीयूष की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की थी। लाइट जा चुकी थी। अचानक आवाज कुछ हल्की हुई और फिर अचानक से आवाज पूरी तरह से शांत हो गई थी। पीयूष ने तुरंत वार्डन और चौकीदार को फोन लगाया जो फर्स्ट फ्लोर पर थे। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी लगभग खाली थे। ताज्जुब की बात ये थी कि सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पर वो आवाज नहीं गूंजती थी, लेकिन खौफ इतना ज्यादा था कि उनमें भी लड़के बहुत कम ही बाहर निकलते थे। ये दोनों फ्लोर भी थर्ड फ्लोर से कम नहीं माने जाते। पीयूष बोला, भैया हमें आपकी मदद चाहिए। इतना कहकर जो कुछ भी वहां हो रहा था उसने उन्हें बता दिया। मगर यह बात सुनकर वार्डन भी इतना डर गया था कि वह बोला, गलती आप लोगों की है तो भुगतो को भी आप लोग। भैया हमें भी अपनी जान प्यारी है, चलिए फिर भी हम कुछ करते हैं। यह कहकर वार्डन ने फोन रख दिया। पीयूष समझ गया था कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला। उसने दरवाजे को बहुत कसकर धक्का मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ। रवि ने राजीव को फोन मिलाया। लोकेश ने फोन उठाया जो बहुत ही सहमा हुआ था। रवि बोला, या तो तुम लोग उसी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लो, या फिर अगर बाहर आ सकते हो तो जल्दी से हमारा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। जब तक तुम कमरे के अंदर बंद रहोगे सुरक्षित रहोगे। रवि का अंदाजा यह था कि दरवाजा बंद करने से किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। आवाज गूंजनी बंद हो चुकी थी मगर माहौल अभी भी खौफ का ही था। और राजीव के बंद करने पर जब दरवाजा खुला था तब भी तो दरवाजा अंदर से बंद था। यह बात शायद डर के मारे किसी ने नहीं सोची। और अब तो उनके दरवाजे की कुंडी भी टूट चुकी थी। तभी उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुनी जो उनकी ओर ही आ रही थी। अचानक दरवाजे के सामने तक आकर आहट खत्म हो गई। राजीव और लोकेश ने हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर की ओर भागे। वे दोनों अभी कमरे से बाहर निकले ही थे कि आंगन में बल्ब जल उठा। कदमों की आहट उनके पीछे से आ रही थी। वे दोनों आगे भागना चाह रहे थे मगर उनके पाँव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे किसी ने उनके पाँव जकड़ रखे हों। अब उन्हें लगने लगा था कि ये उनका आखिरी पल है। पीछे से एक करुणा और दर्द से भरी आवाज आई, राजीव राजीव। यह सुनकर सबके पाँव तले जमीन खिसक गई। लेकिन हिम्मत से काम लेकर पीयूष के कमरे का दरवाजा खोल दिया और वे दोनों रूम में आ गए। मगर उनके भीतर का डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीयूष रवि और अंकुश भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। आवाज एक बार फिर गूंजनी शुरू हुई। आखिर राजीव का इस घटना से क्या संबंध था, आइए जानते हैं। 10 साल पहले एक मशहूर कॉलेज के लिए हॉस्टल बनाने का काम चल रहा है। ये वही हॉस्टल है जिसमें अभी वर्तमान कहानी चल रही है। खुशवंत राव उसके स्पॉन्सर हैं जो इस हॉस्टल के मालिक हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दिन भर धूल धुएं का गुब्बारा उड़ता रहता है। ठेकेदार कालीचरण आराम से बैठा एक कोने में तंबाकू खा रहा है जो उसने पास के दुकान से खरीदा है। दुकानदार राधे श्याम से उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई है। कालीचरण मजदूरों से कोहलू के बैलों की तरह काम करवाता है और तनख्वाह के नाम पर उन्हें बहुत कम पैसे देता है। इन्हीं मजदूरों में से एक था राजीव। राजीव एक बहुत ही मेहनती मजदूर था जो जिस भी काम को करता था पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। वह यहाँ अपने परिवार के साथ आया था। उसकी पत्नी मिताली और उसकी 4 साल की बेटी इसी निर्माणधीन इमारत में रहते थे। राजीव कालीचरण की बेईमानी से बहुत परेशान था। यूं तो वह कुछ कर नहीं पाता था लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था। खुशवंत राव भी राजीव से बहुत प्रभावित थे। एक दिन राजीव कालीचरण के पास आकर बोला, काली तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों को तू उसकी पूरी मजदूरी नहीं देता है और यहाँ पर तू नकली सामान भी लगवा रहा है।
क्या बोल रहा है तू, जरा होश में बोल, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ, कालीचरण बोला। कोई कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब तू कुछ भी करेगा। काली ये मजदूर लोग हैं, इनके परिवार और जिंदगी के बारे में सोच, ये कमाएंगे तो घर का चूल्हा जलेगा। तुझे मेरे न सही इनके साथ तो न्याय करना चाहिए, राजीव दुखी भाव से बोला। नहीं देता मैं क्या करेगा तू? तो फिर मुझे खुशवंत राव से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी, राजीव बोला। मेरी शिकायत करेगा तू? जा, तुझे अब तक के तेरे काम का एक भी रुपया नहीं देता, काली गुस्से में बोला। इसके बाद काली और राजीव में हाथापाई हो गई। राजीव घर आया, वह बहुत ही ज़्यादा निराश था। अगली सुबह पुलिस ने बताया कि राजीव और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये हत्या थी या आत्महत्या या कोई और राज भी इसके पीछे था, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये बात पीयूष को आज सुबह ही उसी शराबी दुकानदार से पता चली जिसकी 10 साल पहले भी यहाँ दुकान थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। अब राजीव का नाम बार बार गूंज रहा था। सिसकियाँ और चीख पुकारे अपने चरम पर थी। हवाओं में दहशत ही दहशत थी। जहाँ एक और सारी दुनिया दीपावली के लिए सज रही थी, वहीं ये हॉस्टल खौफ और दहशत के साये में गुम था। अंकुश डर की वजह से बेहोश हो चुका था। लोकेश तकिया से अपने सिर को दबाकर लेट गया ताकि इन आवाजों को वह ना सुन पाए। राजीव को बहुत तेज बुखार हो गया था। पीयूष यह नहीं समझ पा रहा था कि वह करे तो करे क्या। रवि हनुमान चालीसा दोहराना चाहता था मगर उसकी हालत ऐसी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, और शायद वह ऐसा करके उसका ध्यान अपनी ओर भी खींचना नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज गले से मुंह के बीच में ही दब कर रह गई हो। आवाजें आज इतनी तेज थी कि फर्स्ट फ्लोर भी दहले बिना ना रह सका। हर कोई सहमा हुआ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। डर के इसी माहौल में रात के 3 बजने को आए। ये वही वक्त होता है जब इनकी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, और जिसका डर था वही हुआ। आवाज इतनी तेज हो चुकी थी मानो सारा शहर ही इसकी चपेट में हो। बीच बीच में कुछ पलों के लिए आवाज शांत होती भी थी, तो भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पलक भी झपक सके। हर कोई बूथ सा बना हुआ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। राजीव का नाम अब भी पुकारा जा रहा था। हर कोई सोच रहा था कि 5 बजे के बाद आवाज बंद हो जाएगी, मगर आखिरी सिसकी 6 बजे तक गूंजी। सुबह के 8 बज चुके थे, सब अधमरे से पड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अब भी कमरे से बाहर कदम रख सके। बड़ी देर बाद पीयूष बाहर निकला और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर वार्डन से बहुत बहस की। धीरे धीरे करके सब बाहर निकले। हर कोई अपने आप को जिंदा पाकर खुश भी था मगर दहला हुआ भी था। राजीव वार्डन से बोला, जब यहाँ ऐसा सब कुछ होता है तो कभी इसकी शिकायत क्यों नहीं की तुमने? देखो भाई, ऐसा कम ही होता था। अब तक कितने बच्चे यहाँ रहकर जा चुके हैं, और इन लोगों को रहना ही तो है, शांति से रह सकते थे, उसे छेड़ने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपके यहाँ आने के बाद ही ये घटना और बड़ी है, वार्डन बोला। पीयूष अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, राजीव गुस्से में बोला। देख लो, इतने से शहर में कमरा आसानी से मिलने से रहा, और मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि वो सेफ रहेगा, वार्डन बोला। इसी बहस के बीच पीयूष शेफाली से मिलने चला गया, जिसे उसने फोन करके कॉलेज के मैदान में बुलाया था। पीयूष शेफाली के पास जाकर बोला, कैसी हो शेफाली? अच्छा तो मेरा हालचाल पूछने का तुम्हें समय मिल ही गया, शेफाली बोली। ऐसी बात नहीं है शेफाली, तुम नहीं जानती कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना कहकर पीयूष ने शेफाली को रात की घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर शेफाली भी डर गई। शेफाली, एक ऐसी बात और जो मैंने किसी को नहीं बताई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पीयूष ने उस रात क्या देखा था वह शेफाली को बताने ही वाला था कि उसने जानवी को वहां से गुजरते हुए देखा और वह शांत हो गया। पीयूष बोला, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह कहकर पीयूष ने शेफाली के कान में कुछ फुसफुसाया। पीयूष वहां से चला गया था और राजीव भी उस हॉस्टल से जाने की तैयारी कर रहा था। पीयूष रास्ते में जा रहा था कि उसे जानवी मिल गई। वह बोली, पीयूष क्या तुम ठीक हो? हाँ, कुछ हद तक। सुहेब ने आत्महत्या क्यों की थी, कुछ पता चला? जानवी ने पूछा। मुझे नहीं पता, मगर तुम जानने के लिए इतना बेचैन क्यों हो? पीयूष ने सवालों में जानवी को घेरते हुए कहा। क्योंकि मुझे जानना है, और वैसे तुम शेफाली को रात की हॉस्टल की जो बात बता रहे थे, मुझे उसके बारे में भी ढंग से जानना है, जानवी बोली। क्यों बताऊं मैं तुम्हें, मैंने भी तुमसे उस दिन हॉस्टल के बारे में पूछा था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ?
और दूसरा सुहेब की सुसाइड का इन सब से क्या संबंध है, इसके बारे में भी शायद तुम्हें पता है मगर तुम बताना नहीं चाहती हो। क्यों? पीयूष गुस्से में चिल्लाकर बोला, 2 साल पहले अजय शर्मा के साथ क्या हुआ था, मुझे क्या पता, और अब अजय शर्मा कौन है ये? पीयूष झुंझुला कर बोला, कोई बात नहीं, कॉलेज के खास और हॉस्टल मालिक का अमीरजादा राघव है ना, वही बता देगा, कहकर जानवी चली गई। पीयूष जल्दी से हॉस्टल आया, वह बुरी तरह इन पहेलियों में उलझता चला जा रहा था। पीयूष दौड़कर राघव के कमरे में पहुंचा, जो अभी अभी आया था। पीयूष को आते देख राघव बोला, आ भाई पीयूष, क्या हाल है, अजय शर्मा कौन था और उसके साथ क्या हुआ था? पीयूष ने आते ही पूछा, क्या मतलब, मुझे इन सब से क्या लेना देना? राघव हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे जानना है इस बारे में, क्या है इस हॉस्टल का अतीत? पीयूष बोला, मुझे सच में कुछ नहीं पता। राघव बोला, ओह, तो क्या ये भी सच नहीं है कि आप हॉस्टल मालिक खुशवंत राव के बेटे हैं? पीयूष बोला, मेरे निजी जिंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। राघव गुस्से में बोला, अच्छा हम दोस्त हैं, हा हा कितना अच्छा मजाक है, तुमने आज तक रैगिंग के अलावा किया ही क्या है, और सुहेब भी तो तुम्हारा दोस्त था, वो तो मर गया, अब मैं भी मर जाऊंगा ना? पीयूष हंसने लगा। पीयूष गुस्से में पागल की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। राघव गुस्से में बोला, तूने हद पार कर दी है पीयूष। वह कुछ करता इससे पहले ही रवि आकर पीयूष को पकड़कर ले गया। वहीं एक और राजीव था जो रात की बातों को भुला नहीं पा रहा था। उसे अपने भाई की भी चिंता सता रही थी, वह अपने भाई को इस डर से दूर रखना चाहता था। उसने घर की ओर जाने से पहले ऋषिकेश में महादेव के मंदिर और माँ गंगा के दर्शन करने की योजना बनाई। दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। और कमेंट में जय महाकाल और महादेव कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। पीयूष पहले तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मगर फिर उसे क्या सूझी कि वह जाने के लिए तैयार हो गया। रवि, अंकुश और लोकेश भी रात की घटना को जहन से निकालने के लिए तैयार हो गए। पांचों लोग ऋषिकेश पहुंचे। देवताओं की भूमि के दर्शन करके वे बहुत खुश हुए। वे जब महादेव मंदिर पहुंचे, तब पीयूष ने महादेव से हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना की, हे महादेव, मैं हॉस्टल से खौफ के उस साए को मिटाकर अपने जैसे ही कई लोगों को इस खौफ के साए से दूर रखना चाहता हूँ, रास्ता दिखाना भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों कमेंट कर दीजिए, अभी के अभी कमेंट करिए जय महाकाल। आज हॉस्टल में राघव अकेला ही था। जो कल हुआ था उसका पता उसे चौकीदार से चला, लेकिन रात होने से पहले ही राघव हॉस्टल से कहीं चला गया था। लेकिन चौकीदार और वार्डन के लिए आज खौफ कल से भी ज़्यादा था, क्योंकि आज हॉस्टल में वे दोनों अकेले ही थे। लेकिन उन दोनों का फर्स्ट फ्लोर पर रहना डूबते के लिए तिनके के सहारे जैसा था, मगर दिल दहला देने वाली उस गूंज से अब फर्स्ट फ्लोर भी बचा हुआ नहीं था। 2 दिन तक उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से टाइम काटा, और आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों दिन राघव को किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ता था। कभी उसका दोस्त बीमार हो जाता था तो कभी कुछ। वहीं पीयूष 2 दिन अपने घर पर बिताकर अपने मामा के यहाँ चला गया। हॉस्टल के मालिक को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हॉस्टल में से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, वह इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था। वहीं शोएब के सुसाइड केस को लेकर ये बात बहुत बिगड़ चुकी थी। राजीव घर में बैठा था, तभी उसके मामा के घर से फोन आया और उन्होंने पूछा, पीयूष नहीं आया क्या? यह सुनकर राजीव के होश उड़ गए। वह समझ गया था कि पीयूष कहाँ होगा। उसने तुरंत हॉस्टल फोन लगाया, मगर पीयूष हॉस्टल भी नहीं पहुंचा था। राजीव ने पीयूष के सभी दोस्तों से पता किया, मगर पीयूष का कुछ पता नहीं चला। पीयूष कहाँ गया और आगे उसके साथ क्या होने वाला है? राघव हॉस्टल के मालिक का बेटा होने के बाद भी खुद हॉस्टल में क्यों रहता है? अजय शर्मा कौन था और पीयूष का उससे क्या संबंध था? राजीव और उसके परिवार से जुड़ा क्या कोई और भी राज था? क्या आप ही राजीव के चाचा जी हैं? दरवाजा खुलते ही पीयूष ने एक बूढ़े आदमी से यह सवाल पूछा। पीयूष राजनाथगंज आ चुका था, जहां राजीव का परिवार रहा करता था। यहां का पता उसे उसी दुकानदार से पता चला, क्योंकि 10 साल पहले वह ठेकेदार कालीचरण से काफी घुल मिल सा गया था। तब उसे पता चला था कि ये सभी मजदूर कालीचरण के ही गांव के थे। हाँ जी कहिए,
बूढ़े ने पूछा। जी मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, पीयूष ने कहा। यूं तो बूढ़े को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र का राजीव का दोस्त कैसे हो सकता है, फिर भी उसने पीयूष से अंदर आने को कहा। बातों ही बातों में पीयूष ने राजीव के बारे में पूछना शुरू किया। बूढ़े ने बताया, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं बेटा। हाँ राजीव ने आत्महत्या की और उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकता है। वो बहुत ही आशावादी सोच रखता था। उसकी बेटी का क्या हुआ, पीयूष ने आगे पूछा। पता नहीं बेटा, लेकिन उसकी मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी, बूढ़े ने आगे बताया। क्या बाबा मैं चलता हूँ, कहकर पीयूष चलने लगा। तभी बूढ़ा बोला, तुम राजीव के दोस्त नहीं हो, मैं जानता हूँ। और तुम्हें यह सब क्यों जानना था यह मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे पहले भी कोई यहाँ आया था और उसने भी यही कहा था। पीयूष यह सुनकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और कौन यहाँ आया होगा, लेकिन फिर भी वह जानता था कि जो भी यहाँ आया होगा उस दुकानदार से पता मालूम करके ही आया होगा। पीयूष ने सोचा कि हॉस्टल वापस जाकर वह इस बात का पता लगा ही लेगा, वहीं आज रात फिर से कुछ बुरा होने वाला था। पीयूष आगे पता करते करते ठेकेदार कालीचरण के घर भी आ पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। एक मोटा तगड़ा आदमी ने दरवाजा खोला। पीयूष ने पूछा, क्या तुम ठेकेदार कालीचरण हो? हाँ, पर तुम कौन और क्या चाहिए, वह चिड़चिड़े स्वर में बोला। हॉस्टल में आज राघव चौकीदार और वार्डन ही थे। राघव को आज बाहर जाना नहीं पड़ा, हालांकि उसके पास फोन आया था कि उसके दोस्त को फिर बुखार आ गया है, मगर वह नहीं गया। चौकीदार और वार्डन पहले फ्लोर पर थे और राघव थर्ड फ्लोर पर अकेला। राघव सच में काफी हिम्मत वाला था। रात के 7 बज रहे थे। पीयूष ठेकेदार के घर के अंदर आया। ठेकेदार ने पूछा, अब तो बताओ तुम कौन हो भाई? वो जानना जरूरी नहीं है, ये बताओ कि राजीव और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। तुम कौन होते हो पूछने वाले, जाओ मैं नहीं बताता। ठीक है, मेरे पास तुम्हारी बेईमानियों के इतने पुख्ता सबूत हैं कि तुम्हें तो जेल होकर रहेगी। अभी भी वक्त है, जो कुछ तुम्हें पता है बता दो। कालीचरण काफी घबरा गया था। उसने समझा कि हो सकता है ये कोई पुलिस वाला हो, और वैसे भी वह जानता था कि उसकी बेईमानी के तो कई किस्से हैं, इसलिए वह थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, राजीव तो एक वक्त पर मेरे अंडर में काम करता था, बहुत ही मेहनती आदमी था, मगर वह मुझसे बिना बात के उलझता रहता था, और सच बताऊं तो मैंने उसे और उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश भी करवाई थी। तो राजीव के परिवार ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें तुमने मरवाया था? नहीं नहीं, मैं चाहता था, मगर मेरे भेजे हुए लोग जब वहां पहुंचे तो सच में वे लोग आत्महत्या कर चुके थे, उन्होंने सच में ही आत्महत्या की थी। अच्छा, अब तो मुझे छोड़ दोगे ना, कालीचरण बोला। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने मजदूरों का शोषण करते हो, तुम आदमी नहीं राक्षस हो, यह कहकर पीयूष वहां से चल दिया। वह ट्रेन पकड़कर हॉस्टल वापस जाने वाला था। अगले एक स्टॉप पर गाड़ी रुकी। पीयूष पानी पीने के लिए बाहर आया, तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज देकर रोका। आवाज सुनते ही पीयूष समझ गया था कौन है। राघव हॉस्टल में अकेला था। आवाज धीरे धीरे गूंजनी शुरू हुई। हर दिन का वही खौफनाक वक्त शुरू हो चुका था। चौकीदार और वार्डन फर्स्ट फ्लोर पर डरे सहमे कमरे में पड़े थे और थर्ड फ्लोर पर राघव अकेला था। वह बहुत घबराया हुआ था, मगर उसने ठान रखा था कि आज वह इस डर को खत्म करके रहेगा। वह काफी देर तक दर्द भरी चीख पुकारों को सुनता रहा। अब आवाज धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुई। अब वो आवाजें सुनना और भी मुश्किल होता जा रहा था। कदमों की आवाज भी आ रही थी। हॉस्टल की लाइट भी जा चुकी थी। राघव ने जो किया वो जितना साहसी काम था उतना ही मूर्खतापूर्ण भी। राघव ने हिम्मत जुटाकर अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा अब खुल चुका था। पीयूष ने देखा कि उसका भाई राजीव खड़ा था। राजीव ने पीयूष को किसी को बिना बताए जाने के लिए बहुत डांटा, फिर वह उससे कारण पूछने लगा। पीयूष बोला, मैं चाहता हूँ आगे से कुछ भी गलत ना हो, इसलिए मैं उसे रोकने के सफर पर निकल चुका हूँ। बहकी बातें मत करो, तू अब कुछ नहीं करेगा, और हाँ, छुट्टियां खत्म होते ही तू उस घटिया हॉस्टल में नहीं जाएगा, मैं तुझे कहीं और कमरा दिला दूंगा। और क्या हुआ अगर वहां भी ऐसे ही कुछ हो? मैं अब और नहीं भागना चाहता, मैं इस डर का सामना करना चाहता हूँ, इसे रोकना चाहता हूँ, पीयूष बोला। तू क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है? जो वहां रहेगा वो खुद ही देख लेगा, तू मेरा भाई है और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, राजीव बोला।
और जो वहां लोग रह रहे हैं उन्हें कुछ हो गया तो? वो भी तो किसी के भाई हैं, बेटे हैं। अगर सब कुछ जानते हुए भी उनके साथ होने वाले कुछ गलत को मैंने नहीं रोका तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर पीयूष ने राजीव की बोलती बंद कर दी। उधर राघव कमरे से बाहर आ चुका था। चारों ओर धुआं और अंधेरा था। आवाज अब उसके करीब आती जा रही थी। राघव का डर भी बढ़ता जा रहा था। वह दरवाजा वापस खोलने के लिए मुड़ा मगर एक झटके के साथ दरवाजा बंद हो गया और वह बाहर ही रह गया। राघव ने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की मगर खोल ना सका। आंगन में जो धुआं था उस पर आंगन में लगी खिड़की से चांद की रोशनी पड़ रही थी। एक महिला का साया उस धुएं से उभर कर आ रहा था। राघव बुरी तरह घबरा गया। वह उसके उल्टी ओर भागा लेकिन उसने देखा कि कोई उस ओर भी खड़ा था। वह किसी पुरुष का साया था मगर वह साया बिना कोई हरकत किए चुपचाप भूत सा खड़ा था। राघव में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह और आगे बढ़ सके मगर पीछे से महिला का साया उसकी ओर बढ़ रहा था। राघव ने अब तक पहली बार इनको देखा था। आज तक उसने कभी कोशिश नहीं की थी कि वह इस समय कमरे से बाहर आ सके। महिला का साया जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था पुरुष का साया उससे दूर होता जा रहा था। राघव डर से चीखने चिल्लाने लगा। उसकी यह चीख पुकार इतनी तेज थी कि चौकीदार और वार्डन साफ सुन सकते थे मगर उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे ऊपर आ सके या कुछ कर सके। साया अब राघव के बिल्कुल करीब आ चुका था। उस महिला का चेहरा कुछ कुछ दिख सा रहा था। उसका चेहरा शांत था। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इतनी दिल दहला देने वाली खौफनाक आवाज उसकी होगी। तो तू क्या कर लेगा? तेरे पास कोई शक्ति है जो तू वो सब कुछ रोक सकता है? राजीव बोला। मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं मगर मैं डर कर नहीं भाग सकता, पीयूष बोला। मेरे भाई प्लीज ऐसा मत कर, मैंने अब तय कर लिया है और मैं पीछे नहीं हट सकता। यह सुनकर राजीव काफी देर तक शांत बैठा रहा। राघव और वो महिला आमने सामने खड़े थे। उस महिला के साये के साथ साथ पीछे एक बच्ची दौड़ती हुई आ रही थी। वह बच्ची हंसते हुए आ रही थी। उसके हंसने की किलकारियां आम ना थी। ऐसा लगता था मानो उनमें कितना दर्द और करुणा भरी हो। उन किलकारियों को सुनकर कोई भी दहल सकता था। वह बच्ची उस महिला के बराबर में आकर खड़ी हो गई। अचानक से वो बच्ची बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा लगता था मानो कोई बच्ची अपनी माँ के आंचल में खुद को समेटना चाह रही हो। पता नहीं क्या बात थी कि राघव का डर दुख में बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी उस महिला ने राघव का गला पकड़ लिया। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था मानो कि आज वह मर जाएगा। वह छोटी बच्ची अब जोर जोर से चीख कर रोने लगी थी। राघव का सांस लेना काफी मुश्किल होता जा रहा था। उसने अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर वह कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक उसने कुछ भी नहीं किया। उसने अपना गला छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी थी और हंसने लगा। उसकी आंखों में आंसू अब भी थे। वार्डन और चौकीदार कंबल में मुंह छुपाए पड़े थे। तभी वार्डन का फोन बजा। वार्डन ने फोन उठाया। एक व्यक्ति फोन पर बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बोलते क्यों नहीं? कांपते स्वर में वार्डन ने राघव के चीखने चिल्लाने की बात उस आदमी को बताई। वह आदमी बोला, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, जाओ कुछ करो और कुछ भी करके उसे रोको वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर उस आदमी ने फोन रख दिया। राघव की सांसें थमे। इससे पहले ही उस महिला ने राघव का गला छोड़ दिया। राघव जमीन पर गिर गया। उसे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। वह पुरुष का साया दूर खड़ा भूत सा सब कुछ देख रहा था। उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगता था मानो वह कोई मूर्ति हो। तभी वार्डन और चौकीदार धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ रहे थे। वार्डन ने अपने फोन में हनुमान चालीसा चला रखी थी। दोस्तों कहानी को कंटिन्यू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम कमेंट करिए या फिर जय हनुमान जी कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वार्डन ने अपने फोन में हनुमान चालीसा चला रखी थी और चौकीदार हाथ में मसाल थामे हुआ था। वे आगे तो बढ़ना चाह रहे थे मगर डर के मारे उनके पैर जाम से हो गए थे। वे भी सामने खड़े इन सायों को अच्छी तरह देख पा रहे थे। हनुमान चालीसा चलने की वजह से वे और ज्यादा भड़क उठे। उन्हें एक एक शब्द चुभ रहा था। वार्डन को डर था कि कहीं वे आकर उसको ना पकड़ लें मगर अचानक आवाज बिल्कुल शांत हो गई। शायद इसके पीछे यह भी वजह थी, हर दिन बीच बीच में आवाज कुछ देर के लिए थम सी जाती थी। अचानक साये भी कुछ देर के लिए गायब से हो गए थे।
उन्होंने मौका पाकर राघव को उठाया और सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। उन्होंने जल्दी से राघव को हॉस्टल पहुंचाया। हॉस्टल के मालिक और राघव के पिता खुशवंत राव को इस बात का पता चला। काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद राजीव बोला, ठीक है, अगर तूने सोच ही लिया है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, मगर अपना ख्याल रखना भाई, और तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। यह कहकर राजीव उठकर चला गया। पीयूष ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गया और ट्रेन के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में आने वाली नई चुनौतियों के बारे में सोचने लगा। खुशवंत राव पर हॉस्टल को बंद करने के लिए दबाव सा बन गया था। आखिरकार उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्टल बंद करना पड़ा। वहीं पीयूष भी अपने नए सफर पर निकल चुका था। राघव हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा हुआ है, तभी राघव से मिलने के लिए जाह्नवी आती है। जाह्नवी राघव से पूछती है, क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, जिंदा हूँ, कहो कैसे आना हुआ? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझसे मिलने तुम आओगी, राघव बोला। कोई और भी यहाँ होता तो मैं उससे भी मिलने आती, कहकर जाह्नवी चल दी। तभी राघव बोला, जाह्नवी आई एम सॉरी। राघव, अब बहुत देर हो चुकी है, जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता ना, यह कहकर जाह्नवी चली गई। पीयूष वापस आ चुका था। उसे राघव के साथ हुए घटना और हॉस्टल के बंद होने का पता चला। क्योंकि अभी सबकी छुट्टियां खत्म होने में 3-4 दिन का समय था, इसलिए हॉस्टल अभी कुछ समय के लिए बंद किया गया था। पीयूष दुकानदार से जाकर मिला। उसने दुकानदार से पूछा, उससे पहले भी कोई तुमसे ठेकेदार कालीचरण का पता पूछकर गया था क्या? नहीं तो? राघव से अस्पताल में उसके पिता खुशवंत राव मिलने आए। उन्होंने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ओह, तो आज आपको मौका मिल ही गया अपने बेटे के हालचाल जानने का। वैसे मेरा हालचाल पूछने से आपको बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, राघव ताना कसते हुए बोला। क्यों तुम मुझसे कभी ढंग से बात नहीं करते? क्यों, आप नहीं जानते राघव साहब? वैसे कमाल है, आज हर वो इंसान मेरा हाल जानने आ रहा है जिसे मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राघव बोला। थोड़ी देर बाद राघव के पिता बिना कुछ कहे आ जाते हैं। पीयूष सैफाली से मिलता है और फिर वे दोनों राघव से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी देर तक राघव और पीयूष में कुछ बात नहीं होती। थोड़ी देर बाद पीयूष बोला, सॉरी राघव उस दिन के लिए। ना यार ना, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ गलत होता ही है, राघव बोला। राघव, कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? शैफाली ने पूछा। राघव ने अपने दरवाजा खोलने की बात उन्हें बताई। तुमसे दरवाजा खोलने को किसने कहा था? तुम्हें बाहर निकलने की क्या पड़ी थी? तुम ही ने एक दिन मुझसे कहा था कि हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, चुपचाप बस अनसुना करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि मैं उस दर्द को महसूस करना चाहता था जो बाकियों ने किया है। अच्छा, तुमने क्या क्या देखा, विस्तार से बताओ, शैफाली बोली। राघव ने उन्हें हर एक बात बता दी। जब उसने उन सायों के बारे में बताया तो उसने यह भी बताया कि वह पुरुष का साया कुछ नहीं कर रहा था, वह बस बूत सा बना खड़ा था। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि हॉस्टल मालिक तुम्हारे पापा हैं, फिर भी तुम इतनी खौफनाक जगह पर रहते हो, शैफाली ने पूछा। बस ऐसे ही मन करता है, कहकर वह मुस्कुराने लगा। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर तुम आराम करो, हमें कुछ अधूरा काम पूरा करना है, यह कहकर पीयूष चल दिया। शैफाली और पीयूष खुशवंत राव से मिलने जा रहे थे। रास्ते में पीयूष बोला, राघव मुझे अजीब सिरफिरा लगता है, मुझे तो उसकी कहीं किसी बात पर विश्वास नहीं होता, शैफाली बोली। खुशवंत राव के पास पहुंचकर पीयूष बोला, सर मैं पीयूष और ये मेरी दोस्त शैफाली है। आओ पीयूष बेटा, बहुत नाम सुना है कॉलेज में तुम्हारा, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, काश हर बच्चा तुम्हारी तरह समझदार होता, कहो कैसे आना हुआ, खुशवंत राव ने अपने बेटे को याद करते हुए कहा। सर आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे उम्मीद है आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, पीयूष बोला। किस बारे में? हॉस्टल के बारे में, पीयूष बोला। बेटा इस बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? अगर तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो मैं तुम्हारे रहने का प्रबंध कर दूंगा। नहीं, मैं हॉस्टल के उस खौफनाक राज के बारे में बात करनी है, एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ सर। मगर तुम क्यों जानना चाहते हो? सर प्लीज़, मैं अभी आपको वजह नहीं बता सकता, मगर मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे इस हॉस्टल का पूरा अतीत जानना है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा,
मगर हॉस्टल में जाने की परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जितना मैं जानता हूँ मैं सब तुमको बता दूंगा। ठीक है सर। यूं तो पीयूष जानता था कि उसे हॉस्टल के भीतर तो जाना ही पड़ेगा, मगर फिर भी उसने हामी भर दी। जिस समय हॉस्टल बन रहा था उस वक्त कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शायद एक घटना के बाद से ही सब कुछ बदल सा गया। कौन सी घटना? एक मजदूर राजीव और उसके परिवार की खुदकुशी का मामला। तभी से सबने वहाँ खौफ महसूस किया। क्या आपको पूरा यकीन है कि उन्होंने आत्महत्या ही की थी? शेफाली ने पूछा। यूं तो जहाँ तक मैं राजीव को जानता था वह ऐसा इंसान नहीं था जो इस तरह हार मान जाए, मगर सच्चाई यही है। आप राजीव को जानते थे? हाँ, वह मेरे पास कालीचरण की शिकायत लेकर आया था। वह काफी सुलझे विचारों वाला आदमी था। मैं उसकी बातों से काफी प्रभावित हुआ। क्या राजीव के परिवार में कोई परेशानी थी या किसी बात को लेकर वह परेशान था? मुझे लगता नहीं, काफी हंसता खेलता परिवार था उनका, दोनों पति पत्नी और उनकी एक बेटी। हाँ, एक बार कालीचरण ने राजीव की बुराई करते हुए मुझे बताया था कि राजीव शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और वह बिल्कुल भी काम रखने लायक नहीं है। लेकिन मैं राजीव के काम से काफी खुश था, इसलिए मैंने खुद उससे मिलकर उसे समझाने की सोची। मैं जब उनके कमरे पर गया, जो कमरा नंबर 326 था, तो मैंने देखा कि उनका परिवार काफी खुशहाल था। हालांकि राजीव खुले विचारों वाला व्यक्ति था, वह सच बताने से कभी हिचकता नहीं था। उसने मुझे बताया कि ठेकेदार कालीचरण के व्यवहार से वह कई दिनों से निराश है, जिस वजह से वह अब चिड़चिड़ा सा रहने लगा है और इसी वजह से कभी कभी उसकी अपनी पत्नी से कहा सुनी भी हो जाती है। मैंने उसे समझाया कि ऐसा तो हर घर परिवार में होता रहता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं ठेकेदार कालीचरण से बात करूंगा। मैं ऐसा बोलकर चला आया था और उसके 2-3 दिन बाद ही वह हादसा हो गया। क्या तब से लेकर आज तक हॉस्टल को पहले कभी बंद करने के बारे में आपने नहीं सोचा? राजीव ने पूछा। कभी किसी हादसे पर मैंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया और ना ही विश्वास किया। शुरू के 2 सालों में 3 लड़कों के साथ कुछ डरावनी घटनाएं हुई थी, मगर उनमें से 2 को बहुत गहरा सदमा लगा था, जबकि 1 लड़के की घबराहट के कारण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से सभी छात्र सावधान हो गए थे, वह कुछ भी ऐसा नहीं करते थे जिससे ये खौफ और बढ़े। हाँ, नए आने वाले लड़कों को कई बार इन हादसों का सामना करना पड़ा। वैसे मुझे अपनी निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, मगर मैं हैरान हूँ कि आपका खुद का बेटा राघव हॉस्टल में क्यों रहता है, वह आपके साथ क्यों नहीं रहता? इसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये हॉस्टल ही है। जिस समय से हॉस्टल बनकर तैयार हुआ था, तो उसके बाद जैसे जैसे इसमें हादसे हुए, मैं बहुत ही परेशान रहने लगा था और मेरी पत्नी भी यह नहीं चाहती थी कि मैं उस हॉस्टल का संचालन करूं। हम में इन बातों को लेकर तकरार बढ़ती चली गई। उसका यह भी कहना था कि अपने फायदे के लिए मैं अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं देता हूं। फिर हमारा तलाक हो गया। राघव अपनी माँ के साथ यहाँ से चला गया। मैं नहीं चाहता था कि वे दोनों मुझे छोड़कर जाएं। मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर मैंने नहीं मांगी। राघव मुझे उसी हॉस्टल में एक चुनौती के रूप में रहकर दिखाना चाहता है, और शायद इसके पीछे यह भी वजह है कि मैं आखिरी सांस में भी अपनी पत्नी के पास नहीं था। खुशवंत राव ने कहा। क्या आपकी पत्नी अब नहीं है? पीयूष ने पूछा। हमारे तलाक के 2 साल बाद ही वे चल बसी, खुशवंत राव ने दुखी होकर बताया। क्या? मानो पीयूष को यह सुनकर झटका लगा हो, मगर फिर वह खुशवंत राव को नमस्ते करके वहां से चल दिया। बीच रास्ते में शेफाली ने उससे उसके वहां चौंकने की वजह पूछी। पीयूष बोला, शेफाली तुम्हें पता है जिस रात मेरा भाई राजीव और उसका दोस्त लोकेश आया था और वो हादसा हुआ था, उस रात राघव का मेरे पास फोन आया था और उसने ये बताया था कि वह अपनी माँ को देखने गया है जो बीमार है। इसका मतलब ये है कि राघव झूठ बोल रहा था। हाँ, कोई ना कोई बात तो है जो राघव हमसे छुपा रहा है, मगर मैं पता लगा कर ही रहूँगा, पीयूष बोला। हमें अब आगे क्या करना है? शेफाली ने पूछा। हमें नहीं, मुझे। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, पीयूष ने कहा। नहीं, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, शेफाली बोली। शेफाली, तुम्हें बस एक काम करना है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं जानता हूँ कोई और भी इस खौफ को खत्म करने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए मैं तुम्हें उस हॉस्टल का वो राज बताना चाहता हूँ जो मैंने सुहेब की आत्महत्या की रात देखा था। पीयूष शेफाली को कुछ बता पाता उससे पहले ही वहाँ जानवी आ गई और वह बोली, तुम्हें अजय के बारे में जानना है ना, मैं तुम्हें बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि मेरा उस हॉस्टल से क्या कनेक्शन है, आओ मेरे साथ। राघव ने झूठ क्यों बोला था?
पीयूष शेफाली को क्या बताना चाहती थी और कौन था जो इस डर को खत्म करना चाहता था। जानवी पीयूष और शेफाली को अपने साथ लेकर एक घर में आई। उसने वहां दीवार के पास रखे एक फोटो फ्रेम को उठाया और उसे उन्हें दिखाते हुए कहा, यही है अजय शर्मा। क्या हुआ था अजय के साथ, जानवी ने पूछा। जानवी ने बताना शुरू किया। अजय एक बहुत ही भोला और लड़कपन से भरा हुआ लड़का था। यह बात अब से 2 साल पहले की है। अजय उसी हॉस्टल में रहने गया। उसका कमरा नंबर था 328। ये तो वही कमरा है जिसमें अभी राघव रहता है, पीयूष ने कहा। हाँ, राघव वो पहला और अकेला लड़का था जो अजय का दोस्त था, या शायद सिर्फ दोस्त होने का दिखावा करता था। पहले ही दिन सुहेब, जो अजय और राघव से थोड़ा पहले आया था, उन पर रौब जमाने लगा। उसने अजय और राघव की रैगिंग करनी शुरू कर दी। सुहेब ने राघव को जो टास्क दिया था वह उसने पूरा कर दिया था, मगर अजय अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया। हालांकि राघव ने भी अपना टास्क ढंग से पूरा नहीं किया था, इसलिए सुहेब ने राघव और अजय दोनों को मुर्गा बनाकर पूरे हॉस्टल के आंगन के कई चक्कर लगवाए। राघव और अजय की हालत खराब हो गई थी। अजय इस बात से इतना दुखी हुआ कि उसने कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत करने का मन बना लिया था। राघव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अजय ने शिकायत कर दी। इस बात का पता जब सुहेब को चला तो वह अजय से बहुत चिढ़ने लगा। सुहेब के कहने पर सभी लड़कों ने अजय को इग्नोर करना और उसके सामान से छेड़खानी शुरू कर दी। सब अजय को देखकर ऐसे नाटक करते थे जैसे वह उन्हें दिखता ही ना हो। जब वह खाने जाता तो उसके खाने के साथ छेड़छाड़, वह नहाने जाता तो बाहर से गेट बंद कर दिया जाता था। जब इस सब को लेकर वह सुहेब के सामने गिड़गिड़ाता तो सुहेब ने उससे कहा कि यह सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वह एक रात कमरा नंबर 326 में रहकर दिखा दे। सुहेब उस कमरे के खौफ से वाकिफ था। उसे पता था कि अजय ऐसा करने से मना कर देगा और उन लोगों को उसे इग्नोर करने का बहाना मिल जाएगा। पीयूष अजय के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वह बोला, तो क्या अजय ने ऐसा किया? अजय कमरा नंबर 326 में रहने के लिए तैयार हो गया। रात के करीब 11 बजे वह अपने कमरे से बाहर निकला और उसने 326 का दरवाजा खोला। वह डर से कांप रहा था। उसे राघव पर पूरा भरोसा था कि अगर वह किसी मुसीबत में पड़ता है तो राघव उसे बचाने जरूर आएगा। वह दरवाजा खोलकर जब अंदर गया तो किसी ने बाहर से अंदर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। यह हॉस्टल के ही किसी लड़के का काम था। अंदर अजय ने क्या देखा ये कोई नहीं जानता, मगर उसके चीखने चिल्लाने की पुकार सबने सुनी थी। यह हॉस्टल का सबसे भयानक हादसा था जिसने सबको दहला कर रख दिया। पूरी रात वो चीखता चिल्लाता रहा। जाने कौन से खौफनाक मंजर उसकी आंखों के आगे सारी रात चलते रहे। उसने राघव को भी कॉल लगाया था, जो उसका फोन देखने पर बाद में पता चला था। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अजय जमीन पर अधमरा सा पड़ा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका कहना था कि वह जब जब पलक झपकाता है वो खौफनाक साये उसके सामने आ जाते हैं। उसे हर जगह खौफ ही खौफ दिखने लगा था। 2 दिन बाद उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया, मगर दुख की बात यह थी कि कोई उसे हॉस्पिटल में भी देखने नहीं आया। इस हादसे के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हॉस्टल तक छोड़ दिया था। लेकिन तुम अजय को कैसे जानती हो, पीयूष ने पूछा। क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई था, आई एम सॉरी, पीयूष ने कहा। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी उसी हॉस्टल में रहो। जो हादसा मेरे भाई के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी के भी साथ हो। तुम चिंता मत करो जानवी, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, कहकर पीयूष वहां से चला गया। राघव हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। वह झुककर पानी की बोतल उठाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक वह गिर गया। तुम्हें गिरते हुए लोगों को संभालना नहीं आता, मगर मुझे अच्छे से आता है, पीयूष ने राघव को संभालते हुए कहा। राघव, क्या तुम्हें अपनी माँ तक के बारे में झूठ बोलने में शर्म नहीं आई, पीयूष ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, यही कि तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला कि तुम अपनी माँ से मिलने गए हो, पीयूष बोला। इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, राघव चिल्लाकर बोला। मतलब है राघव,
मतलब है तुम चाहते तो ना अजय की जान जाती ना शोहिब की। तुम्हारे कहने का मतलब है उन दोनों की जान मेरी वजह से गई है? तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। मुझे जानना भी नहीं है, पीयूष बोला। तभी हॉस्टल का चौकीदार दौड़कर राघव के पास आया और बोला, राघव गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ है? कहते हुए राघव चौकीदार को पीयूष से दूर अकेले में लेकर गया। खुशवंत साहब इस समय हॉस्टल के अंदर अकेले चले गए हैं। उनका कहना है कि वह इस डर का खात्मा करने जा रहे हैं। चौकीदार हड़बड़ाते हुए बोला, और तुमने उन्हें रोका नहीं? राघव बोला, हमने बहुत कोशिश की मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी, चौकीदार ने कहा। राघव दौड़ते हुए पीयूष के पास आया और बोला, शेफाली का एक्सीडेंट हो गया है, वह एक दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती है। इसमें कोई शक नहीं था कि वह झूठ बोल रहा था। पीयूष ने राघव से हॉस्पिटल का पता पूछा और शेफाली से मिलने के लिए चला गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह एक बार शेफाली को फोन करके देख ले। राघव भी हॉस्टल जाने के लिए निकल चुका था। खुशवंत राव सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। आज हॉस्टल में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। पूरा हॉस्टल किसी खंडर की भांति लग रहा था। खुशवंत राव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें वक्त का कोई अंदाजा नहीं था आज डर के इस मंजर से उनका सामना होने वाला था। जब वे थर्ड फ्लोर पर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि एक आदमी की आत्मा उनके आगे बुद्ध से खड़ी थी। वह आदमी हमेशा ही बुद्ध बना रहता था। एक छोटी सी बच्ची की किलकारियां भी गूंज रही थी। तभी उन्होंने देखा कि पीछे से एक औरत का साया भी उनकी ओर आ रहा था। खुशवंत राव का डर अब बढ़ता जा रहा था। पीयूष शेफाली को देखने उसी हॉस्पिटल में गया था जहां का पता उसे राघव ने बताया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता लगा कि शेफाली वहां है ही नहीं। उसने शेफाली को फोन लगाया और उसे पता चला कि वह तो ठीक ठाक है। महिला ने पास आकर जैसे ही अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया, खुशवंत राव के जहन में डर पैदा हो गया। वह महिला जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। कुछ हद तक वे उस चेहरे को पहचानते थे। खुशवंत राव जमीन पर गिर पड़े और जमीन पर ही खिसकते खिसकते पीछे जा रहे थे कि पुरुष के साये से वे टकरा गए। उस साये ने कुछ नहीं किया, वह बस नजर घुमाकर उनकी ओर देख रहा था। उस महिला की चीख से ज्यादा इस पुरुष की खामोशी दहला रही थी। इन सबके चेहरे खून से सने थे। खुशवंत राव ने उस चेहरे को भी पहचानने की कोशिश की और जैसा उन्होंने सोचा था वे दोनों आत्माएं राजीव और उसकी पत्नी की थी। खुशवंत राव जैसे कुछ करना चाहते थे मगर कर नहीं पा रहे थे। वह बच्ची दौड़ती हुई खुशवंत राव के पास आई। उसके हाथों में एक गुड़िया थी। खुशवंत राव ने उस बच्ची को छूने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, महिला ने आकर खुशवंत राव का गला पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, जबकि पुरुष का साया बुद्ध सा ही रहा। खुशवंत राव अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे मगर कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां हाथों में जलती हुई मशाल लेकर राघव आ गया। चौकीदार और वार्डन उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसने जैसे ही मशाल को उस महिला की ओर बढ़ाया, महिला बेचैन हो उठी। हर प्रेत आत्मा आग से बेचैन होती हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह आग से खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कुछ यहाँ हो रहा था। राघव जानता था कि वह ज्यादा देर तक उसे रोक कर नहीं रख पाएगा। उसने इशारे से चौकीदार और वार्डन से अपने पिता को ले जाने को कहा और वह वहीं रुका रहा क्योंकि वह इस डर को खत्म करना चाहता था। वह मसाल लेकर उस महिला की ओर बढ़ रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मसाल बुझ गई। उसका असली डर वापस आ चुका था। महिला ने उसे धक्का मारा और वह कमरा नंबर 326 के अंदर आ गया। दरवाजा धम के साथ बंद हो गया। राघव अभी भी हिम्मत नहीं हारा था मगर वह बुरी तरह थक चुका था। उसका सिर घूम रहा था और साथ ही उसे चक्कर भी आ रहा था। अचानक उस कमरे में वह महिला आ गई। वह राघव की ओर बढ़ रही थी। इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता ना था मगर ऊपर वाले ने एक बार फिर उसका साथ दिया। उसकी नजर उसी कांच की खिड़की पर पड़ी जिससे उस रात दुकानदार ने इस कमरे की घटनाओं को देखा था। महिला धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह पूरे जोर से खिड़की से जा टकराया और नीचे जा गिरा। उसकी किस्मत अच्छी रही कि तीसरी मंजिल से गिरकर भी उसकी जान बच गई, मगर उसकी एक टांग टूट गई और उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई।
शेफाली, जानवी और पीयूष उससे मिलने गए। पीयूष कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था, फिर भी हिम्मत करके वह बोला, मैं जानता हूं कि मुझे जिंदा नहीं बचना चाहिए था, मगर मैं क्या करूं, मेरी किस्मत मुझे मरने नहीं देती। तू सही कहता था पीयूष, मेरी ही वजह से अजय और सोहेब की जान गई, मगर मैं क्या करता, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। बचपन में बाप का प्यार नहीं मिला, फिर माँ भी चली गई, अपनी जिंदगी से इतना निराश था कि किसी से खुलकर कुछ कह नहीं पाता था। हाँ, जिंदगी में एक दोस्त मिला, अजय, मगर उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। मैं डरता था लोगों को अपनाने में, इसलिए मैं उस मुश्किल में भी अजय के साथ नहीं था। उसे मुझ पर पूरा भरोसा था, मगर मैं नहीं गया उसे बचाने। कहते हुए राघव की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता जानवी। ऐसा मत बोलो राघव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वक्त को कुछ और ही मंजूर था, जानवी बोली। मैं अजय के साथ हुए हादसे से टूट चुका था, मुझ में इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं थी कि मैं आकर उसे देख सकूं। मैं आगे किसी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैं सोहेब के साथ हर रैगिंग में रहता था, ताकि किसी और के साथ ऐसा होने से मैं रोक सकूं। सोहेब को भी मैं बचाना चाहता था। सोहेब का कहना था कि उसे हर जगह अजय ही अजय दिखता था, जो उससे सवाल करता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, मगर मैंने किसी को नहीं बताया। मैं सोहेब को भी नहीं बचा पाया, इसी वजह से सोहेब ने सुसाइड कर लिया। मुझे उस रात ही चौकीदार और वार्डन से पता चला कि मुझे बचाने के लिए उस रात मेरे पिताजी ने ही फोन करवाया था, बल्कि मुझे हर दिन जो बहाने करके बुलाया जाता था वो भी मेरे पिताजी का ही काम था। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं एक पिता के प्यार को भी नहीं पहचान सका, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जब हॉस्टल में कुछ हादसे हुए तो लोगों ने मेरे पिताजी पर उंगली उठाई। मैं सबको ये दिखाना चाहता था कि उनका खुद का बेटा भी उसी जगह पर रह सकता है जैसे सबके बच्चे रहते हैं। मैं खुद भी उस डर को महसूस करना चाहता था जो अजय ने महसूस किया था, इसलिए मैं उसी कमरे में रहता था, और अगर किसी और के साथ कुछ ऐसा हो तो मैं रोक सकूं। पीयूष एक टक राघव को देखे जा रहा था, उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने राघव को इतना कुछ कहा था। एक और बात, पीयूष मैं जानता था तुम इस डर को खत्म करने के लिए इसकी जड़ तक जाना चाहते हो। मैं ही राजीव के घर गया था क्योंकि मैं भी बाकियों को इस खौफ से बचाना चाहता था। अगर मैं जिंदा ना रहूं तो मेरे पिताजी से कहना, मैं उनसे बहुत प्यार करता था। तुम्हें कुछ नहीं होगा राघव, पीयूष बोला। राघव की हालत बिगड़ने लगी, तभी डॉक्टर वहां आए और उन्होंने सबसे बाहर जाने को कहा। शेफाली, मैं तुम्हें उस रात के बारे में बताना चाहता हूँ जिस रात मैं बेहोश हो गया था, पीयूष ने शेफाली से कहा। पीयूष और शेफाली हॉस्पिटल से बाहर आ चुके थे। राघव हॉस्पिटल में भर्ती था, इसलिए जानवी वहीं रुकी हुई थी। उस रात मैं इस डर के पीछे की वजह खोजना चाहता था, इसलिए मैं कमरा नंबर 326 के सामने वाले खाली कमरे में रुका था। मैंने उसी चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ साथ किसी के कदमों की आवाज भी सुनी थी। मैं कमरे से बाहर निकल कर आया और कदमों की आवाज और तेज हो गई। तभी कमरा नंबर 326 का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी का साया बाहर निकला, मगर जैसा राघव ने बताया था उस दिन ऐसा नहीं था। उस दिन वो साया भी उसी दर्द और दहशत भरी आवाज में चिल्ला रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये मेरा आखिरी दिन हो। मैंने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज मेरे गले में ही दबकर रह गई थी। वो साया मेरी ओर बढ़ रहा था, मैं दीवार से टकरा कर गिर गया। तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई उस साये के पास आई। वह साया उस बच्ची को घूर रहा था। उन दोनों की आंखें एक ही जैसी थी, एक जैसा दर्द, खौफ और दहशत उनकी आंखों में दिखती थी। मुझे छोड़कर वह उस बच्ची की ओर बढ़ने लगा। तभी कहीं से एक औरत का साया वहां आ गया, जिसकी आंखें सबसे ज्यादा डरावनी लगती थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह जब चीखती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं उसके चेहरे को देख कर ही मर जाऊंगा। उस औरत ने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया। औरत को देखकर ऐसा लगता था कि वह जरूर उसकी मां रही होगी। उस औरत के साथ ही वह बच्ची भी अब उसी स्वर में चीखने चिल्लाने लगी। उन तीनों के इस डर से मेरा कलेजा फटे जा रहा था। मेरे हाथ पांव सुन से पड़ गए थे, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस औरत और उस आदमी के बीच में आपसी झड़प शुरू हो गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो किसी बात को लेकर बहस चल रही हो, मगर वे कुछ भी बोल नहीं रहे थे।
अचानक उस पुरुष ने गुस्से में आकर उस महिला को थप्पड़ सा मारा और उस महिला का चेहरा मेरी ओर हो गया। उसकी आंखें मेरी तरफ थी। उसकी आंखों में उसके भीतर का दर्द और तड़प को महसूस कर पा रहा था, मगर उसकी आंखों के उस खौफ की वजह से मैं बेहोश हो गया। कौन थे वह पुरुष और वह महिला? पता नहीं, मगर यह भी पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ, कहकर पीयूष खुशवंत राव से मिलने चला गया, जो खुद हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें दिल की कुछ बीमारी थी। हालांकि पिछली रात वे उस हादसे से बच गए थे, मगर इसका उनके दिल पर गहरा असर पड़ा था। अब वे काफी हद तक ठीक थे। पीयूष उनके पास जाकर बैठ गया। वह कुछ भी कहने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इसका उनके ऊपर कोई असर पड़े। खुशवंत राव को राघव के बारे में भी कुछ पता नहीं था। आप कैसे हैं सर? पीयूष ने पूछा। मैं ठीक हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे हॉस्टल के बारे में ही सवाल पूछना है। दरअसल मैं खुद भी तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, खुशवंत राव ने खुद ही कहना शुरू कर दिया। हाँ, हॉस्टल में वो आत्माएं हैं। मैं नहीं मानता था, मगर वो है। राजीव और उसका परिवार, वे तीनों आज भी वहाँ हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली, मगर उनकी आंखों में जो दर्द था वो मैं महसूस कर पा रहा था। उन तीनों में एक अधूरापन सा था। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपना ख्याल रखिए, पीयूष कहकर चलने लगा। और हाँ, राघव कैसा है? ठीक है, पीयूष इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वह और झूठ नहीं बोल सकता था। ऐसा लग रहा था मानो खुशवंत राव की आंखें कह रही हो, राघव का ख्याल रखना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वे आत्माएं राजीव और उसके परिवार की हैं? शेफाली ने पूछा। हाँ, तो मतलब उस दिन राजीव और उसकी पत्नी में ही झड़प हुई थी? शायद हाँ। मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम राजीव और उसकी पत्नी जैसे ही वेश बनाकर वहां जाएं। अगर सच में वे दोनों राजीव और उसकी पत्नी हैं, तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया उनकी हमें देखकर जरूर होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। वहां सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। मगर मैं भी तुम्हें वहां अकेले जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पीयूष चुप सा हो गया। उसमें और शेफाली में काफी देर तक बहस होती रही, मगर हार कर पीयूष शेफाली को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। रवि और अंकुश भी घर से वापस आ चुके थे। क्योंकि अभी हॉस्टल नहीं खोला गया था, तो उन दोनों ने कुछ समय के लिए कमरा किराए पर ले लिया। पीयूष उनसे मिलने गया। उसने उन दोनों को अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने उन दोनों से काफी देर तक बातचीत की। थोड़ी देर बाद उसे शेफाली का फोन आ गया। उसने थोड़ा साइड में जाकर शेफाली से बात करनी शुरू कर दी। पीयूष बोला, पहले हॉस्टल में मैं जाऊंगा। मैं जब तुम्हें फोन करके आने के लिए कहूँ, तभी तुम आना। शेफाली बोली, ठीक है, आज मैं इस डर का खात्मा करके ही रहूंगा। पीयूष की केवल यही आखिरी लाइन अंकुश ने सुन ली। उसे पीयूष के पूरे प्लान का पता नहीं था। वह रवि से बोला, ये पीयूष पागल हो गया है क्या? किसी से फोन पर कह रहा है कि डर का खात्मा कर दूंगा। रवि बोला, हम इसकी जान को खतरे में नहीं डालने देंगे। मेरे पास एक आइडिया है। उधर शेफाली पूरी तरह से अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई थी। पीयूष कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था कि रवि ने उससे आकर उसका फोन मांगा। पीयूष ने ये सोचकर कि उसे जरूरत होगी, फोन दे दिया। थोड़ी देर बाद पीयूष कमरे से उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। रवि और अंकुश दरवाजा बंद करके नीचे सोने जा चुके थे। उन दोनों को पता था कि पीयूष पक्का कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर बाहर आने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने उसका फोन अपने पास ही रख लिया था। पीयूष ने दरवाजा खोलने की लाख कोशिशें की, मगर दरवाजा नहीं खुला। शेफाली हॉस्टल के बाहर पहुंच चुकी थी। बाहर से देखने पर हॉस्टल बिल्कुल शांत दिखाई देता था, मानो तूफान से पहले की शांति हो। साए साए की आवाज हवा में गूंज रही थी। पास में एक आम का बगीचा भी था, जो रात में बेहद ही डरावना लगता था। आसपास की सब दुकानें बंद थी। रात के 10 बज रहे थे। एक परिंदा भी आसपास नहीं फटक रहा था। शेफाली को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी डरावनी जगह पर लोग कैसे रह लेते हैं। शेफाली ने पीयूष को फोन लगाया। पीयूष के फोन की घंटी बजी, मगर किसी ने नहीं उठाया। शेफाली ने कई बार फोन लगाया, मगर रवि और अंकुश नींद के मारे बेचैन थे, इसलिए बिना देखे ही उन्होंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फोन बंद आने से शेफाली घबरा गई। उसे लगा जरूर पीयूष किसी खतरे में है। शेफाली ने अंदर जाने का सोचा। उधर पीयूष भी यह अच्छे से जानता था कि शेफाली बात की पक्की है।
अगर वह हॉस्टल गई होगी और उसे कॉल का कोई रिप्लाई नहीं मिला होगा तो वह पक्का अंदर चली जाएगी। पीयूष दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर इतना मजबूत दरवाजा टूटने से तो रहा। वह रवि और अंकुश को आवाज देकर बुलाने लगा, मगर उसकी आवाज दरवाजों में बंद होकर ही रह गई। शेफाली ने कोने के एक दरवाजे से हॉस्टल में एंटर किया, जिसकी दीवार को लांघना कोई मुश्किल काम ना था। हॉस्टल में अंधेरा ही अंधेरा था। शेफाली ने टॉर्च जलाई और दबे पांव आगे बढ़ने लगी। वह फर्स्ट फ्लोर पर थोड़ा सा ही आगे चली थी कि उसने महसूस किया, यहाँ का माहौल काफी अजीब सा है। ऐसा लगता है मानो सदियों से यहाँ कोई ना रहा हो। दीवारों पर लगे जाले और दरवाजों को खोलने पर चू चू की आवाजें बता रही थी कि एक सांस भी भरने पर कितना शोर होगा। शेफाली अब सबसे बड़े डर से रूबरू होने जा रही थी, लेकिन आज जो होने वाला था वो थोड़ा अलग था। फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से होते हुए वह थर्ड फ्लोर की ओर बढ़ रही थी। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। वह नहीं जानती थी कि क्या मंजर उसे आगे दिखने वाला है। पीयूष थक हार कर एक कोने में बैठकर चीखने चिल्लाने लगा। वह किसी भी अनहोनी के होने से घबरा रहा था। वह इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। खुद को कोसने के अलावा वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। शेफाली ने देखा कि सामने अंधेरे की ओठ में एक साया गुमसुम सा खड़ा है। उसे देखते ही मानो शेफाली को सांप सूंघ गया था। उस साये ने शायद शेफाली को अभी नहीं देखा था, मगर वह उसकी और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। शेफाली का डर और बढ़ गया, लेकिन वह साया शेफाली के पास से होकर गुजर गया। यह शायद उसी पुरुष का साया था जिसके बारे में उसने सुना था। शेफाली बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वह वहां से बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। वह हड़बड़ी में इधर उधर देखने लगी। सब कमरों के दरवाजे बंद थे। खुला था तो सिर्फ कमरा नंबर 326, लेकिन वह दरवाजा बार बार खुल रहा था और बार बार बंद हो रहा था। अचानक बल्ब में एक रोशनी सी दौड़ी और वह जल उठा, मगर बल्ब फिर बंद होकर बार बार जलने बुझने लगा, जिससे शेफाली का डर और भी बढ़ गया। वह नहीं जानती थी कि कुछ ही देर में ये खौफ अपने चरम पर होने वाला था। एक महिला का साया दूर से शेफाली की ओर बढ़ रहा था, मगर पुरुष के साये की तरह इस साये की आंखें झुकी हुई नहीं थी। उसकी खून से लथपथ आंखें शेफाली पर टिकी हुई थी और वह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। शेफाली ने खुद को बचाने के लिए छुप जाना सही समझा। वह कमरा नंबर 326 का दरवाजा खुला हुआ देखकर उस ओर बढ़ी और जाकर एक टूटी हुई अलमारी के पीछे जाकर छुप गई, जहां से कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता था। मगर वह यह भूल चुकी थी उसका सामना एक आत्मा से है जो उसे ढूंढ ही निकालेगी। उस आत्मा को शेफाली के होने का आभास था, मगर अब उसका ध्यान शेफाली पर ना होकर एक छोटी सी बच्ची पर था जो दौड़कर उसके पास आई थी। उसके हाथों में एक गुड़िया थी जो फटी हुई और गंदी थी। शेफाली अलमारी के पीछे एक कोने से ये सब देख रही थी। माहौल बदलने से लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वो खंडर सा कमरा एक निर्माणधीन सा हो चुका था। उस बच्ची की किलकारियां वहां गूंजने लगी थी। वह अपनी माँ के साथ खेल रही थी। वह बच्ची अपनी माँ से बोली, माँ मेरी गुड़िया गंदी हो गई है। उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं, हम दूसरी गुड़िया ले आएंगे। नहीं, मुझे इसे ही ठीक करना है, मुझे ये बहुत प्यारी है। बच्ची बोली, ठीक है, हम इसे ही ठीक कर देंगे, उसकी माँ ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक सी हुई। उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो एक आदमी अंदर आया। जो शायद उसका पति था। ये वही साया था जिसे कुछ देर पहले शेफाली ने देखा था। वह काफी निराश और परेशान सा लग रहा था। उसके आते ही दोनों पति पत्नी में बहस शुरू हो गई। पति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह काम के बोझ से पहले ही थका हारा और परेशान था। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी छोटी सी बेटी दौड़कर उसके पास आकर उछल कूद करने लगी। जैसे ही वह उछलकर अपने पिता के गले लगना चाहती थी, पिता ने उसे नहीं पकड़ा और उसका सिर पलंग के नुकीले कोने में जा लगा, जिससे वह बच्ची बेसुध होकर गिर पड़ी। उसकी माँ यह सब देखकर अपने होश खो बैठी थी। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और दर्द से चीखने चिल्लाने लगी।
वह आदमी भी अपनी बेटी को मृत देखकर बेसुध सा हो गया, मगर वह रो भी नहीं पा रहा था। वह एक पागल की भांति भूत सा खड़ा था। वह जैसे ही अपनी बेटी को छूने के लिए आगे बढ़ा, माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और उसे छूने नहीं दिया। वह अपनी बेटी की मौत के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहरा रही थी। शेफाली को अब सब कुछ समझ आ चुका था। जैसा उसने पीयूष से सुना था, यह वही दिन था जब राजीव का ठेकेदार से झगड़ा हुआ था, जिस वजह से वह परेशान था और दुर्भाग्य से यह हादसा हो गया था। उस बच्ची की माँ चिल्लाकर कह रही थी, मैं तुम्हें अपनी बेटी को कभी छूने नहीं दूंगी। कहते हुए उसने पास पड़े एक चाकू से खुद को मौत के घाट उतार दिया। राजीव यह सब देखकर टूट चुका था। उसने भी खुदकुशी कर ली। शेफाली इतना डर चुकी थी कि वह चीख उठी और उसकी आवाज से सब कुछ वैसा ही खौफनाक हो गया जैसा कुछ देर पहले था। सब कुछ उसी खौफनाक कमरे में तब्दील हो चुकी थी। शेफाली की चीख से सबका ध्यान उसकी ओर आ ही गया था, मगर डर की वजह से शेफाली बेहोश हो गई थी। सुबह होते ही जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, पीयूष उन्हें बिना बताए शेफाली से मिलने के लिए हॉस्टल जाने लगा। वह रवि और अंकुश से बहुत नाराज था। उसने रवि और अंकुश को बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने भी उसके साथ जाने की जिद की। पीयूष उन्हें साथ लेकर हॉस्टल गया। रास्ते में उसने उन्हें सब कुछ बताया। रवि और अंकुश अपनी गलती पर शर्मिंदा थे, मगर जो होना था हो चुका था। पीयूष जब हॉस्टल पहुंचा तो उसने देखा कि कमरा नंबर 326 खुला पड़ा है और शेफाली वहां बेहोश पड़ी है। उसने भगवान का शुक्र किया क्योंकि शेफाली सिर्फ बेहोश ही हुई थी। पीयूष शेफाली को लेकर जानवी के पास आया। थोड़ी देर बाद शेफाली को होश तो आ गया था, मगर खौफ और दर्द का वह मंजर अब भी उसके दिलो दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। जानवी और पीयूष ने उसे हिम्मत दी। शेफाली ने रात की पूरी घटना के बारे में उन्हें बताया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि गुस्से और कलेश की वजह से हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और फिर न जाने कितने और लोगों के साथ ये खौफनाक घटनाएं हुई, पीयूष बोला। लेकिन कोई आत्मा तभी भटकती है जब उसे शांति नहीं मिलती। जरूर कोई न कोई ऐसा ख्वाहिश है जो उन सब की अब भी अधूरी है, जानवी बोली। हाँ शायद मैं जानती हूँ, एक पिता की अपनी बेटी को सीने से लगाने की तड़प और एक माँ की अपनी बेटी को बचाने की जिद उसे उसके पिता से कभी मिलने नहीं दे रही है। जब तक इस घटना क्रम को नहीं रोका जाएगा तब तक यूं ही उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी, और अगर कोई इसमें दखल देगा तो उसके साथ वही होगा जो अब तक होता आया है, शेफाली बोली। जब राघव ने उस आत्मा से अपना गला छुड़ाने की कोशिश की तो उसके अनुसार वह उसे छू भी नहीं पाया था, जबकि उस आत्मा ने राघव का गला पकड़ रखा था, पीयूष बोला। तभी जानवी बोली, जहाँ तक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बताते हैं और हमारी साइंस से पता चलता है, आत्मा एक ऊर्जा है जो नष्ट नहीं हो सकती। हम उसे खत्म नहीं कर सकते, मगर वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हम सिर्फ उसे शांत कर सकते हैं जिससे वह चली जाए। हॉस्पिटल में राघव की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। खुशवंत राव को राघव के बारे में जैसे ही पता चला वह हॉस्पिटल पहुंचे। पीयूष बोला, दोस्तों ये सिर्फ हॉस्टल का सवाल नहीं है, मैं राजीव और उसके परिवार की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सब तैयार हो गए, मगर सवाल ये था कि ऐसा किया कैसे जाए। रात होते ही पीयूष हॉस्टल में गया। पीयूष के प्लान के मुताबिक रवि, जानवी और अंकुश फर्स्ट फ्लोर पर थे। आधी रात का समय हो चुका था। रवि, अंकुश और जानवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास आग जलाने का भी सामान था। पीयूष जैसे ही तीसरे फ्लोर पर पहुंचा, राजीव का साया एक कोने में गुमसुम सा खड़ा था। राजीव की पत्नी की आत्मा दूर सामने खड़ी दिख रही थी। राजीव की पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजनी शुरू हो गई। वो आवाजें बीच बीच में राजीव राजीव कहकर पुकारती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। पीयूष भी जोर जोर से राजीव कहकर पुकारने लगा, जिससे राजीव की पत्नी की आत्मा का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। वह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पीछे पीछे उसकी बेटी चल रही थी जो जोर जोर से हंस रही थी और फिर अचानक से रोने लगी। चारों ओर खौफ और दर्द का माहौल सा बन गया। जैसे ही महिला की आत्मा पीयूष के पास आई, पीयूष ने उसकी बेटी की ओर अपना हाथ बढ़ाया।
यह देखकर महिला की आत्मा गुस्से से चिल्ला उठी और पीयूष का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। आवाज इतनी तेज थी कि जानवी, रवि और अंकुश समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। वे बिना पीयूष के इशारे का इंतजार किए तीसरे फ्लोर की ओर जाने लगे। वह आत्मा इतने गुस्से में थी कि पीयूष समझ रहा था वह उसे मार ही डालेगी, लेकिन बच्ची के चेहरे की मासूमियत बता रही थी कि वह भी कब से अपनी माँ और पिता दोनों का एक साथ प्यार पाने के लिए तरस रही थी। शायद यही वजह रही होगी कि राघव ने भी उस रात इस बच्ची की तुलना खुद से करी होगी। राघव ने भी उन्हीं चीजों का सामना किया होगा। हॉस्पिटल में राघव की हालत खराब होती जा रही थी। उसके जहन में भी यही सब कुछ दौड़ रहा था। संयोग ही रहा होगा कि वह चिल्ला रहा था, नहीं 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 माँ पापा। ऐसे ही कुछ हॉस्टल में भी चल रहा था, जहाँ राजीव की पत्नी ने एक हाथ से पीयूष का गला पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपनी बच्ची को संभाल रही थी। वह बच्ची चिल्ला रही थी, माँ पापा। रवि, अंकुश और जानवी तीसरे फ्लोर पर आ गए थे, मगर जैसे ही उन्होंने पीयूष की ओर बढ़ने की कोशिश की, उस आत्मा ने उन्हें वहीं आगे बढ़ने से रोक दिया। पीयूष अब भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वह बोला, राजीव। यह सुनते ही उस आत्मा ने पीयूष के गले को और मजबूती से जकड़ लिया। दबाव हल्का होते ही रवि, अंकुश और जानवी पीयूष को छुड़ाने की कोशिश करने के लिए उस आत्मा के पास पहुंचे, मगर उसने एक एक करके तीनों को दूर फेंक कर मारा। जानवी फिर से संभली और उठकर उसने उस आत्मा से उसकी बच्ची को छुड़ाने की कोशिश की। आत्मा ने गुस्से में पीयूष को दूर फेंक कर जानवी को जोर से धक्का मारा, जिससे उसका सिर दीवार में जा लगा और वह बेहोश सी हो गई। हॉस्पिटल में राघव पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हॉस्टल में हो रही घटना का उस पर कोई असर पड़ रहा है। राघव के पिता भी उसे देखने के लिए कमरे में गए। उन्होंने राघव को आवाज दी, राघव तुम्हें कुछ नहीं होगा, पापा आ गए हैं। राघव एक झटके के साथ शांत सा हो गया। पीयूष कुछ नहीं कर पा रहा था, बाकियों की तरह वह भी एक कोने में बेजान सा पड़ा था। पीयूष ने फिर से राजीव को आवाज देकर कहा, राजीव मुझे पता है तुम अपनी बेटी और पत्नी से बहुत प्यार करते थे, क्या तुम अपनी बेटी को सीने से नहीं लगाना चाहते? मैं अपनी बेटी को किसी को छूने तक नहीं दूंगी। कहते हुए राजीव की पत्नी की आत्मा और तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज एक बार फिर अपने चरम पर थी। उसने पीयूष को उठाकर हवा में लटका दिया और फिर तेजी से जमीन पर पटक दिया, जिससे पीयूष बुरी तरह चोटिल हो गया। पीयूष की आवाज का राजीव पर कुछ असर सा पड़ा। वह धीरे धीरे अपनी बेटी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बच्ची की माँ भी और क्रोध में आ चुकी थी। वह इस सब का जिम्मेदार पीयूष को मानकर उसे खून से लथपथ नजरों से देख रही थी। उसने पीयूष को फिर से उसका गला पकड़कर उठा लिया और तेजी से उसका गला दबाने लगी। जैसे ही राजीव अपनी बेटी के पास आया, राजीव की पत्नी ने उसे अपने पीछे छुपा लिया और राजीव उसे कुछ कर नहीं पा रहा था। राघव हॉस्पिटल में अपने पिताजी को देखकर रोने लगा और उनसे गले लग गया। वह काफी हद तक शांत हो चुका था, मगर उसके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। उसके पिता ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं भी आ गया हूँ और तुम्हारी माँ भी जहाँ कहीं भी होगी तुम्हें देख रही होगी, वो भी तुम्हें उतना ही याद करती होगी जितना तुम करते हो उन्हें। वे अब भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें इस तरह रोता देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। राघव अब भी फूट फूट कर रोए जा रहा था। तभी वहाँ वैशाली भी आ गई। उसने भी राघव का हौसला बढ़ाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, पीयूष पर मुझे पूरा भरोसा है, वह सब कुछ ठीक करके ही लौटेगा। आत्मा का पूरा ध्यान अब पीयूष पर ही टिका हुआ था। राजीव अपनी पत्नी की ओर नहीं बढ़ पा रहा था। राजीव की पत्नी की आत्मा पीयूष की जान खींच रही थी। कोने में पड़ी हुई जानवी को होश आया। वह उठी और उसने कुछ सोचा। उसने ऐसे नाटक किया मानो वह पीयूष को छुड़ाना चाहती हो। वह उस आत्मा के पास गई। जानवी उसे अच्छे से जानती थी कि वह उसे छू भी नहीं सकती। पीयूष को छुड़ाना तो दूर की बात थी। उसने तुरंत आत्मा का पूरा ध्यान पीयूष की ओर लगवाकर अपना एक हाथ उसकी बेटी की ओर बढ़ाकर उसकी गुड़िया को छीनकर राजीव की ओर फेंक दिया। बच्ची अपनी गुड़िया उठाने के लिए राजीव की ओर दौड़ी। राजीव ने गुड़िया को उठाया और उसे अपनी बेटी की ओर बढ़ाया। यह देखते ही राजीव की पत्नी की आत्मा ने पीयूष को छोड़ दिया और अपनी बेटी की तरफ दौड़ी। राजीव ने अपनी बेटी की ओर अपनी बाहों को फैलाया और उसकी बेटी उसके गले से जा लगी। राजीव की इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का भी अपनी बेटी को फिर से खो देने का डर खत्म सा हो गया। उसकी आंखों के खून के आंसू
गायब से हो गए और उसकी आंखें नम सी हो गई। वह भी अपनी बेटी से जाकर गले लग गई। राजीव ने दोनों को गले से लगा लिया। एक रोशनी की छोटी सी पुंज सी हुई और तीनों उस रोशनी में गायब से हो गए। उस बच्ची की वह गुड़िया जमीन पर ही पड़ी रह गई। यह देखकर जाह्नवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपना बड़ा भाई अजय याद आ रहा था। पीयूष ने होश में आने के बाद जाह्नवी से पूछा, तुमने राजीव को उसकी बेटी से कैसे मिलवाया? राजीव उसकी बेटी और उसकी पत्नी तीनों आत्मा थे। मैं उनकी बेटी को छू नहीं सकती थी, मगर एक उसकी गुड़िया ही थी जिसे मैं छू सकती थी। जाह्नवी ने उस पुराने सी गुड़िया की और इशारा करते हुए कहा, तो क्या वो गुड़िया साथ लेकर नहीं गई? पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें उनकी असली खुशी मिल चुकी थी, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा। पीयूष, रवि, अंकुश और जाह्नवी को कुछ चोटें आई थी जो जल्द ही ठीक हो गई। राघव भी ठीक होकर अपने पिता के साथ रहकर उनका ख्याल रखने लगा। हॉस्टल फिर से खुल गया। रवि, अंकुश, पीयूष और उनका वही कमरा नंबर 320 फिर से शुरू हो गया। जाह्नवी का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा रहा। खुशियां बांटो, खुशियां पाओ। रवि ने पीयूष को फोन लगाकर पूछा, कहाँ है भाई? अब किस आत्मा के पास चला गया? वो आत्मा नहीं, साक्षात परमात्मा है। अगर मिलने नहीं गया तो मेरी किस्मत में बहुत कुछ लिख देगी। उसका कहना है इतने दिनों से मैंने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। है कौन वो? और कौन? शेफाली। दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय महाकाल और हर हर महादेव कमेंट करिए। आज की कहानी हमें निखिल ने उत्तर प्रदेश से भेजी है, तो अब मैं आपको कहानी निखिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम निखिल है और उत्तर प्रदेश के गांव में मेरा घर है। वहां मैं छुट्टियों में अक्सर कभी कभी चला जाता हूं। वैसे मैं शहर में रहकर पढ़ाई करता हूं। इस बार मैं कई साल बाद गांव आया था, जो काफ़ी ही बदला हुआ सा लग रहा था। हमारे घर के बाहर काफ़ी घास उग जाया करती थी जिसको हमें काटना पड़ता था, जिसके कारण मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। यह काम रोज़ रोज़ करना पड़ता था। एक दिन तो गजब ही हो गया। मैं घास ही काट रहा था और तभी अचानक से एक ततैया जैसे दिखने वाले कीड़े ने मुझे काट लिया। ऐसा नहीं था कि यह पहले नहीं हुआ था, मगर इस बार दर्द कुछ ज़्यादा था। मैंने देखा मेरी उंगली में से खून आ रहा है। मैंने उसको दबाते हुए पानी से धोया और अपने घर से दूर एक दवाई की दुकान पर गया, जहाँ से मैंने एक टैबलेट ली जो इन्फेक्शन की थी। दवाई लेकर मैं घर की ओर आ ही रहा था तो मेरी नज़र रास्ते में आते वक्त एक कुएं पर पड़ी जो वीरान पड़ा था। उस कुएं के आसपास एक पक्षी भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा कुआ जिसमें पानी नहीं था, जाने वह कुआ जैसे मुझसे कुछ कह रहा था। मैंने कुएं की तरफ ध्यान से देखा तो कुएं के पास एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था। तो मुझे विचार आया, क्यों ना मैं उस डब्बे को खोल कर देखूं कि इस डब्बे में ऐसा क्या है और कौन है जो कुएं के पास इस मिठाई के डब्बे को रख गया है। मैं मिठाई के डब्बे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी मोहन काका की आवाज आई। वह हमारे ही गाँव में रहते थे। वह बोले, क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं दिया? जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ मत दिखाई देना। ऐसी बात सुनकर मानो मेरे को बहुत ही बुरा लगा और मैं यह भी सोचने लगा कि यह ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर बात क्या है। मगर मैंने बातों को ना बढ़ाते हुए चुप रहना ज़्यादा ही सही समझा, इसलिए वहाँ से चुपचाप घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी ने सुनते ही कहा कि उस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए उस जगह से दूर रहा करो और सब कोई भी वहाँ जाने से मना करते हैं। मुझे हंसी आ गई कि मम्मी कब से ऐसी बातों पर विश्वास करने लगी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। मैंने उनसे कहा, क्या मम्मी आप भी इन सब पर विश्वास करती हो? मगर मम्मी ने कहा, कुछ चीज़ें वास्तविक होती हैं और उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है, इसलिए उस जगह से दूर ही रहना। मम्मी की बात सुनकर मैंने हामी भर दी, मगर मन से हामी नहीं हुई थी। मुझे मम्मी की बातों पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था मम्मी मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं और यह बात झूठी है। मेरे मन में एक विचार और आया कि क्यों ना मैं वहां जाकर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और सबको दिखाऊं
कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर आने वाले वक्त में मुझे यह नहीं पता था कि यह बात साबित करने के चक्कर में मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। ऐसा करने के लिए मैंने रात का समय ज़्यादा उचित समझा। मैंने समझा क्यों ना सब सो जाएंगे तब वहाँ जाया जाए, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा और किसी को यह भी नहीं पता चलेगा मैं वहाँ गया। और मुझे साबित भी करना था कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस वजह से मैंने रात को जल्दी खाना खा लिया और सोने चला गया और सबके सोने का इंतज़ार करने लगा। ठंड काफ़ी थी, मैं लेटकर इंतज़ार ही कर रहा था और मेरे को नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो रात के 2 बज चुके थे। मैंने भी सोचा सुबह होने में अभी 2 घंटा बाकी है, तब तक मैं वहाँ से होकर वापस आ सकता हूँ। तो मैंने डिसीजन ले लिया था। मैंने एक लालटेन ले ली और एक चादर ओढ़कर चल पड़ा। अंदर से थोड़ा डर भी था। मन ही मन मैं सोचने लगा कि कहीं चोर हुआ तो मेरा क्या होगा, वह तो मुझे मार भी सकता है। वो अलग बात है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मगर चोर का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकते हैं। और घर में किसी को पता भी नहीं, बस मुझे इसी बात का डर खाया जा रहा था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जितने नज़दीक मैं कुएं के पास जा रहा था, मेरी धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, जैसे मानो मुझे ही सुनाई दे रही हो। मैं बहुत ही नज़दीक आ चुका था। मैंने मोबाइल में वीडियो भी स्टार्ट कर दी थी। वीडियो मैंने बनाई, वहाँ पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुएं के अंदर की भी वीडियो बना ली जाए। और तभी मैं क्या देखता हूँ कि कुएं के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मैं कुएं के अंदर की तरफ झांकने ही जा रहा था, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। तो मैं अपने चारों तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कुएं के पास ही एक छोटी सी लड़की रो रही थी। उसने सफ़ेद कलर का गाउन पहन रखा था, बाल उसके खुले और सफ़ेद चेहरा था उसका। जैसे ही मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो, उसने मेरे को अचानक से देखा और घूरने लगी गुस्से में। मैं उसे देखकर डर सा गया क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इतनी वीरान जगह पर जहाँ कोई नहीं आता, वहाँ यह बच्ची क्या कर रही थी? इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में चलने लगे। अब तक केवल फिल्मों में ही देखा था, मगर आज वास्तव में देख लिया। और मुझे अपनी माँ की बात भी याद आ गई, भूत प्रेत वाली। मैं ज़्यादा देर लगाए बगैर इस बात को समझ गया था कि यह लड़की नहीं एक भूतनी है जो रात के समय दिखती है। उस लड़की को देखते के साथ ही मैं घर की ओर भागने की सोच रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया तभी अचानक मेरे पैर जम से गए। मैं उठ ही नहीं पा रहा था, मैं जम सा गया था और आँखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। मेरा दम घुट रहा था। मुझे ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था जैसे मुझे किसी ने कस के पकड़ रखा हो। मैं चिल्लाना चाह रहा था मगर मेरे गले से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मारना चाहता है और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। अचानक से लोगों का शोर मच गया और लोग कुएं की तरफ भागे चले आ रहे थे। वह लोग जैसे ही मेरे पास पहुँचे तभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मगर यह सब महसूस करने के बाद मेरे अंदर डर बैठ गया था और विश्वास भी हो गया था कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरा सर दर्द से फट रहा था और वहां पर मुझे एडमिट कराया। मुझे नॉर्मल होने में कम से कम 2 महीने लग गए और लोगों ने मुझे गुस्से से डांटा भी, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब मैंने आवाज ही नहीं लगाई तो लोग मेरी मदद करने कैसे पहुंच गए और उस कुएं के पास वह बच्ची कौन थी और इसके साथ ही कुएं के अंदर से मदद के लिए कौन चिल्ला रहा था? यह सब राज आज तक मुझे पता नहीं चले और मैं जानने की सोचना भी नहीं चाहता। अब मैं गांव नहीं जाता हूँ और ना ही जाने की हिम्मत है। शहर में रहकर ही आगे की पढ़ाई की, मगर वह हादसा आज तक नहीं भूल पाता और जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर तभी कुछ सालों बाद मेरे मन में बार बार वही विचार आता जा रहा था कि वह लड़की कौन थी जो वो रो रही थी। ऐसा क्या हुआ था जो उसकी आत्मा वहाँ पर बैठी है? यह प्रश्न उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तभी फिर से मैंने गांव जाने का विचार बनाया। मुझे यह जानना था कि वह लड़की कौन है और उसकी आत्मा वहाँ पर कैसे आई। यह सब जानने के लिए मुझे गांव जाना ही पड़ेगा। अब मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं गांव जाकर ही रहूँगा और यह सब जान के ही रहूँगा। मैंने अगले दिन ही ट्रेन की टिकट ली और अकेले ही चल पड़ा
मम्मी पापा को यह बोलकर निकला कि फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ। यदि मैं उनको बताता कि मैं गांव में उस रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ तो वह कभी भी मुझे नहीं जाने देते, इसलिए उनको झूठ बोलकर मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरे मन में वो बात इस कदर बैठ गई थी कि उसके बारे में जानना मुझे बहुत जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ी और गांव आ पहुंचा। मुझे कम से कम 8 साल हो गए थे गांव आए हुए और मैं काफी बड़ा हो गया था, लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। रात मैंने ऐसे तैसे काट ली मगर मन मचल रहा था जानने के लिए। सुबह होते ही मैं उन लोगों से मिलने चला गया जो बहुत पुराने जमाने के थे। उनमें से बहुत से लोगों से उस कुएं के बारे में जानना चाहा। काफी लोगों ने तो चुप्पी ठान ली थी और यह तक कह दिया था, बेटा तुम्हें उस कुएं के बारे में नहीं जानना चाहिए। मगर मेरा मन उसी कुएं के बारे में जानने के लिए बेचैन था। मैंने कहा, ऐसा क्या है जो आप मुझे बता नहीं सकते या फिर बताना नहीं चाहते? उन्होंने कहा, एक दूसरे गांव में एक बुढ़िया रहती है, रावड़ी नाम है उस बुढ़िया का, वही उस कुएं की पूरी स्टोरी आपको बताएगी और अगर तुम जानना चाहते हो तो उससे मिलो। दूसरा गांव काफी दूर था, उसके लिए 4-5 घंटा लगता और दिन अभी आधा बीत चुका था। मैंने सोचा अगले दिन जाना ज्यादा उचित होगा क्योंकि अब शाम होने को आई है और पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, इसलिए वह आज की रात फिर से अपने घर जाकर सो गया। सुबह होने का इंतजार काफी लंबा था, 11 करवट और घड़ी पर निगाहें टिकी हुई थी, जैसे मानो रोज के अकॉर्डिंग आज की रात काफी लंबी हो। समय मानो जैसे कट ही ना रहा हो और नींद तो मानो उसे आ ही नहीं रही थी। जैसे तैसे सुबह हो गई, सुबह के 4 बजे ही थे। वह नाश्ता करके तैयार हो गया और अपना बैग रेडी कर लिया, जो भी उसे रास्ते में चाहिए था, पानी, लंच, उसने वह सब कुछ रख लिया और उसने बस स्टैंड पर बस पकड़ने 5 बजे पहुंच गया। पर बस 1 घंटे बाद चली। वह 11 बजे तक उस गांव में पहुंच चुका था। पहुंचते ही उसने उस बुढ़िया के बारे में पूछना चालू किया, वहां के लोग नहीं जानते थे। फिर वह गांव के और अंदर पहुंचा और उसने उस बुढ़िया का नाम लेकर पूछा, क्या आप रावड़ी आंटी को जानते हो जो बहुत बूढ़ी हो चुके हैं? तो एक लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। उसने कहा, चलो मैं ले चलता हूँ आपको। मैं उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगा। मैं काफी दूर तक पैदल गया और एक छोटा सा मकान जो कच्चा था उस घर के अंदर वह लड़का मुझे लेकर गया। वहां पर बुढ़िया जो बिस्तर पर लेटी थी और काफी उसकी तबीयत भी खराब थी, जैसे वह आखिरी सांसें गिन रही हो। मैं उस बुढ़िया औरत के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम। बुढ़िया बोली, कौन हो बेटा तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी मैं बोला, हाँ आंटी, आप मुझे नहीं जानती क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले। आंटी ने बोला, फिर तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो और मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? मैंने उनको यह सारी घटनाएं बताई जो भी मेरे साथ घटी थी और उसके साथ ही मैंने उस आत्मा के बारे में भी बताया जिससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। और अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह आत्मा कौन है और वहां पर कर क्या रही है। बुढ़िया ने कहा, इस बारे में आज तक मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, पर तुम बहुत दूर से आए हो यही बात जानने के लिए, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। जब यह घटना हुई थी तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी और इसके बारे में मैंने अपनी माँ से जाना था। वह उस जमाने की बात है जब यह घटना हुई थी। बहुत ही समय पहले एक छोटी सी फैमिली थी जिसकी 2 बेटियां थी और बहुत मिन्नतों के बाद उनको एक बेटा हुआ था। वह तीनों बच्चे आपस में बहुत अच्छे से खेलते थे, मगर एक दिन वह सब छुपन छुपाई खेल रहे थे और माँ घर में सो रही थी। लड़का कब कुएं के पास आकर उसके अंदर गिर गया उसे पता ही नहीं चला और इसके साथ ही कुएं में गिरने से उस लड़के की मौत हो गई। उसकी माँ की आंख जब खुली और उसने देखा कि बेटा लापता है, वह उसे बहुत खोजने के बाद उसकी नजर कुएं के अंदर पड़ी जहां पर उसका बच्चा मर चुका था। वह क्रोध में आकर अपनी दोनों बेटियों का गला दबाकर उन्हें भी मार देती है, जिसके कारण से वह तीनों बच्चों की आत्माएं उस कुएं के आसपास ही भटकती रहती है। यह सब सुनकर मुझे अब शांति मिली क्योंकि कई सालों से मैं यह राज जानना चाहता था। आखिरकार मुझे यह राज पता चल ही गया। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। ये कहानी एक डॉक्टर की है जो एक हॉस्पिटल में सर्जन है। वह एक जूनियर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उनका नाम नुकुल है, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वभाव के हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी आदरणीय हैं। वह दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्जन हैं।
वहीं उन्हीं के साथ उनके हॉस्पिटल में एक और सर्जन काम करती थी जिसका नाम नेहा था, जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था। उनके प्यार की कहानी पूरे हॉस्पिटल में चर्चित है। नेहा थोड़ी सिंपल स्वभाव की है। उसे हॉस्पिटल में आए 2 ही साल हुए हैं। नुकुल देखने में बहुत ही शरीफ और मासूम सा लगता है। कद में 5.5 का ही होगा। नेहा का कद 5'2" ही है। नुकुल एक पोस्टमार्टम सर्जन है और नेहा एक हार्ट सर्जन है। नुकुल और नेहा एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनकी मुलाकात एक केस को लेकर हुई थी जिसमें हार्ट सर्जरी के कारण उस बंदे की डेथ हो गई, जिसका पुलिस केस बन गया था। उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे। उस केस के सिलसिले में नेहा और नुकुल की बातचीत होती रहती थी। उन दोनों की बातें इतनी होने लगी कि वह दोस्त कब बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया था। नुकुल की फैमिली गांव में रहती थी मगर नेहा की फैमिली दिल्ली में ही रहती थी। नुकुल एक अच्छा और ईमानदार पोस्टमार्टम सर्जन था। नेहा उसके कार्य से काफ़ी प्रसन्न थी। नुकुल को अकेला रहना पसंद था। वह दिन भर डेड बॉडी देख देख कर अपने काम से थोड़ा बोर हो गया था। अब उसने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए जो उसके काम से अलग हो। वह एक दिन लाइब्रेरी गया। वहां पर उसको एक बुक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो बुक थी एक ब्लैक मैजिक की। उसने उसे पढ़ना चाहा। वह बुक काफ़ी दिलचस्प थी। इसमें डेड बॉडी को जिंदा कर सकने की तरकीब लिखी हुई थी। पहले तो उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था मगर ना जाने क्यों उसका इस किताब पर विश्वास करने का मन कर रहा था। उसमें लिखी बातों को बार बार पढ़ने का उसका मन कर रहा था। उसमें कुछ मंत्र ऐसे भी थे जिससे वशीकरण हो जाता है। अब उसने सोचा क्यों ना सीखा जाए। अब उसे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जिस पर वह यह सब कर सके। उसने अपने हॉस्पिटल में एक ऐसी ही लड़की देखी जो बहुत ही अकेली थी, जिसकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। वह डेड बॉडी देखने आई थी। नुकुल की मुलाकात उस लड़की से हॉस्पिटल में हुई थी। उस लड़की का नुकुल ने व्हाट्सएप नंबर ले लिया और यह उसके लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि उस लड़की का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर चुका था और वह अकेली थी। उसको सहानुभूति देते हुए उसको सहारा देना, इस प्रकार से उसको काबू करना आसान था। व्हाट्सएप पर उससे बातें करता उसका नाम अंजलि था। अंजलि देखने में खूबसूरत थी। अब उसको उस बुक के वशीकरण का टोटका सीखना था तो उसने सोचा क्यों ना यह टोटका अंजलि पर क्यों ना करूं, देखता हूं यह होता है या नहीं। इसलिए उसने बुक उठाई और वशीकरण टोटके पढ़ने लगा। उसमें हजारों मंत्र लिखे थे। अब वह उन्हें बारी बारी पढ़ने लगा। उसमें कोई भी मंत्र आसान नहीं था। उस किताब में लिखे हुए टोटके के काफ़ी नियम भी थे। उसे एक मंत्र ऐसा मिला जिसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं थी। उसके लिए केवल लड़की की फ़ोटो, नींबू, कलावा, रोली और मंत्रों का 108 बार उच्चारण करना था। बस नुकुल को यह उपाय अच्छा लगा। अब उसने सोच लिया था केस वाले को ट्राई करेगा। अब वह सारा सामान ले आया और जैसा कि बुक में लिखा हुआ था उसको वैसा वैसा वह करने लगा। सबसे पहले लड़की की फोटो व्हाट्सएप पर मांगी और उसे खोलकर सामने रख लिया और नींबू पर अंजलि का नाम लिख दिया और ओम लिख दिया और उस पर एक कलावा बांध दिया और उसके साथ ही अपने हाथ में लौंग लेकर 108 बार मंत्र का उच्चारण करने लगा और उसके बाद रोली को कटोरी में डाल दिया। फिर उसके बाद नींबू को काट कर उसमें लौंग डाल दिया और उसके साथ ही उसका रस रोली में डाल दिया। रोली को अच्छे से मिला भी दिया। फिर अपने माथे पर लगाकर अब बस आखिरी में उसे अंजलि को मिलने के लिए बुलाना था। उसने अंजलि को कॉल किया और उसे कहा क्या तुम घर आ सकती हो। अंजलि का कोई दोस्त नहीं था, नुकुल ही था जिसको वह दोस्त मान रही थी, इसलिए वह उससे मिलने आ गई। अंजलि फौरन ही नुकुल के घर पहुंच गई तो नुकुल ने उसे भी टीका लगा दिया और बोला अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और अंजलि भी यही यकीन करने लगी सब अच्छा होगा। उसका चेहरा अजीब हो गया था। अब वह उसकी हर बात मान रही थी। नुकुल अब खुशी के मारे पागल ही हो गया कि ये सब काम करता है। सोचा कि क्यों ना मैं उसको एक ऐसा काम बोलूं जो कोई लड़की ना कर सकती हो। अब वह उसको कपड़े उतारने के लिए बोल देता है। अंजलि वह भी करने लग गई। नुकुल अपने आप को रोक नहीं पाया। वह उसको चूमने लगा और उससे बोला तुम भी करो और वो भी करने लगी। नुकुल ने भी कपड़े उतार दिए थे। दोनों ने संभोग किया। अंजलि को कपड़े पहनने को बोला, वह पहन भी ली। नुकुल को लग गया ये तो बहुत ही अच्छा टोटका है
जिसमें सामने वाले को जो कहो वो सब करता है। नकुल ने कपड़े पहने और सोचा मतलब सब कुछ सही है। अब वह और बड़ा करना चाहता था, अंजलि को घर भेज दिया। अब उसका जब मन करता उसे बुलाता और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता, मगर अब वह अंजलि से बोर होने लगा था। उसने अंजलि को सुसाइड करने को कहा और उसने उसे इस तरह से खत्म कर दिया। अब उसे एक कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करना था। वह एक दिन नेहा के घर गया तो वहाँ उसके पड़ोस में एक 12 साल की बच्ची थी जो नेहा के घर आया जाया करती थी। नकुल की उस पर बुरी नजर पड़ गई थी। नकुल ने इस लड़की से पहले दोस्ती की, फिर उससे उसका नाम पूछा और फिर चोरी छुपे से उसकी फोटो ली। नेहा के घर उसका आना जाना बढ़ रहा था और वो लड़की से कह रहा था हम एक गेम खेलेंगे, क्या खेलोगी? तो वह तैयार हो गई। नकुल उस बच्ची का वशीकरण करने लगा। अब बच्ची भी वशीकरण हो गई थी। अब नकुल फिर से हैवान बन गया और उसको घर ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। अब उसको इन सब में बड़ा ही आनंद आने लगा। नकुल उस लड़की को बुरी तरह से खत्म कर देता है। अब उसे ऐसा लगता है वो अब कुछ भी कर सकता है। वह इसी प्रकार नई लड़कियों को वशीकरण करता और उनके साथ दुष्कर्म करता। अब उस काले जादू की बुक में अमर होने की और मुर्दे को जीवित करने की तांत्रिक विद्याएं भी लिखी हुई थी, मगर उसमें कुछ शर्त भी थी। नकुल को इस बुक पर भरोसा हो गया था। अब वो कुछ ऐसा करने का सोच रहा था जो शायद कोई करने से पहले कांप जाता हो। उसने मुर्दों को जीवित करने का सोचा, मगर किसी को जिंदा करने के लिए उसे कुछ ही घंटों पहले मरा होना चाहिए, यानी कि वो जिस मुर्दे को जिंदा कर रहा है उसकी मौत कुछ घंटे पहले ही होनी चाहिए, मगर ऐसी डेड बॉडी मिलनी मुश्किल थी जो इतनी जल्दी मिल जाए। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी को मार कर फिर उसे जिंदा कर दूं, वह मरेगा भी नहीं और जीवित भी हो जाएगा। मगर शर्त ये थी कि वह वशीकरण ना हो और उसे पता ना हो कि वह जीवित होने वाला है। ये बहुत ही गंभीर समस्या थी। उसने सोचा क्यों ना नेहा को मारना सही रहेगा, क्योंकि उसको झांसा देना आसान है। नकुल का जन्मदिन आ रहा था और इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। और फिर जन्मदिन वाले दिन उसने नेहा से कहा आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुमको पार्टी दूंगा। नेहा काफी अच्छे से तैयार होकर आई थी और वह अकेली ही वहां थी। उसने कहा कोई भी क्यों नहीं आया? नकुल मुस्कुराते हुए बोला मैं नहीं चाहता कि हमें कोई परेशान करे, इसलिए मैं और तुम ही काफी हैं। नकुल ने दूसरे कमरे में सारी तैयारी कर रखी थी, जैसे कि एक रंगोली बनाई हुई थी और उसके साथ ही एक नाइफ जिस पर ओम और नेहा का नाम लिखा हुआ था और नींबू की माला और 21 मोमबत्ती जला रखी थी। फूलों की माला और रंगोली, कपूर, लोंग, हवन की सारी सामग्री, दही और घी आदि सब कुछ वहां पर रखा गया था। बस वह 10:10 का इंतजार कर रहा था। दोनों ने केक काटा और थोड़ा ड्रिंक किया, फिर उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर भी किया और इसके साथ ही डांस भी किया। अब 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। उसने नेहा से कहा आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, तो मैं तुम्हारी आंखें बंद करना चाहता हूँ। उसने उसकी आंखें बंद कर दी और दूसरे कमरे में ले जाने लगा। उसने उस कमरे में नेहा को उस रंगोली के पास बैठा दिया और उसके माथे पर टीका लगाया और माला पहनाने लगा। नेहा उससे बार बार पूछ रही थी कि क्या सरप्राइज है और नकुल बस उससे कह रहा था तुम चुपचाप रहो, बस अभी सब कुछ पता चल जाएगा। जब उसने नेहा को नींबू की माला पहनाई तो नेहा को कुछ अजीब लगा। उसने पट्टी को हटा दिया और उस कमरे की ऐसी हालत देखकर वह सब कुछ समझ गई थी। उसने तुरंत वहां से भागना सही समझा। वह उठी और गेट की तरफ दौड़ने लगी। नकुल ने उसे भागते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे चाकू लेकर भागा और बोला तुम यहां से नहीं भाग सकती, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। नेहा बहुत घबरा गई थी। नकुल के हाथ में चाकू था और उसकी आंखों में खून सवार था। नकुल कहता है तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द होगा, बाकी मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम मेरी बात मानो, अंदर आकर बैठ जाओ। मगर नेहा पीछे होते जा रही थी और कहती है तुम मुझसे दूर रहो। नेहा थोड़ा पीछे होते हुए टेबल पर रखी चाकू को उठा लेती है और अपने पीछे छुपा लेती है, और जैसे ही नकुल उसके पास आता है तो वो वैसे ही डर के मारे उसको मार देती है और उसको मारती रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। अब वह घबरा जाती है क्योंकि नकुल मर गया था। अब नेहा ने नकुल की डेड बॉडी को नकुल के ही गार्डन में गड्ढा करके दफना दिया था और उसके साथ ही वह पूरे घर की साफ सफाई भी कर देती है और उसके मोबाइल से हॉस्पिटल में एक छुट्टी का ईमेल डाल देती है कि नकुल 2 महीने के लिए अपने गाँव जा रहा है।
और फिर नेहा नुकुल के घर पर ताला लगाकर अपने घर चली गई। नुकुल के घर में वह काले जादू वाली बुक वहीं अलमारी के पास टेबल पर रखी रही, जिस पर नेहा की नजर नहीं पड़ी। नेहा घर पर पहुंचकर सभी से बोली कि नुकुल गांव चला गया है। नेहा अपने कमरे में चली जाती है, फिर नहाती है और सोचती है ये सब क्या हो गया, और रोने लगती है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। वह चेंज करके लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, मगर उसको आज नींद कहाँ आने वाली थी। नुकुल के बारे में सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। वो मन ही मन यही सोचे जा रही थी कि नुकुल तुमने ऐसा क्यों किया। तभी उसके दर्पण पर उसने कुछ लिखा देखा। उस पर यह लिखा था, नेहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नेहा इसको पढ़कर और भी ज्यादा डर गई। यह कौन है जो मुझे ऐसे लिखकर बता रहा है। उसे लगा कहीं नुकुल जिंदा तो नहीं। वह उठकर अपने कमरे को अच्छे से देखती है, उसे वहां कोई नहीं दिखता। वह बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सोचने लगती है कि नुकुल क्या कर रहा था, उसने अपने कमरे को इस तरीके की वेशभूषा क्यों दे रखी थी। देखकर तो ऐसा लगता है मानो जैसे वह तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में पड़ चुका है। शायद मैंने जल्दी जल्दी में वहां कोई तांत्रिक विद्याओं की बुक को देखा नहीं है। लगता है मुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुलिस अब तक के मर्डर केस को सुसाइड केस बना दी थी। उन लड़कियों की पोस्टमार्टम को नुकुल ने सुसाइड बना दिया था, पर अब तो नुकुल ही नहीं रहा। सुबह होते ही नेहा नुकुल के घर पहुंची। उसने वहां पर तांत्रिक विद्याओं की बुक को खोजना शुरू किया। फिर उसे ढूंढते ढूंढते अलमारी के पास एक टेबल पर बुक मिल ही गई, और उस बुक के पास एक डायरी भी मिली जिस पर नुकुल ने वह सब लिखा हुआ था जो उसने अब तक किया था। उस डायरी को नेहा पढ़ने लगी, तब उसे पता चला कि वह क्या क्या कर रहा था। नेहा को यह सब पढ़कर नुकुल से घिन आने लगी थी। अब नेहा को उसकी मौत का कोई अफसोस ना था, इसलिए उसने डायरी और तांत्रिक विद्या की बुक को वहां से उठाया और अपने घर लेकर आ गई, और डायरी और बुक को अपने कमरे में रख दिया। मगर नुकुल की आत्मा नेहा को परेशान कर रही थी। वह जहां भी जाती वह उसके पीछे पीछे आ जाता और उसे कुछ न कुछ ऐसा संकेत देता जिससे उसको उसका आभास हो सके। कभी उसे पकड़ लेता तो कभी उसे खींच लेता। वह उसे बहुत ही तंग करने लग गया था। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने किसी तांत्रिक बाबा का सहारा लेना सही समझा, क्योंकि एक आत्मा से जीतना एक आम इंसान के लिए मुश्किल था। इसलिए वह एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह नुकुल हैवान बन गया था और दुष्कर्म कर रहा था, और वह उसको भी मारना चाह रहा था। यह सारी बातें उसने तांत्रिक बाबा को बता दी। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, उसकी डेड बॉडी को जला दो, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी रहेगी तब तक वो तुम्हें परेशान करती रहेगी। नुकुल की आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए घूम रही है। नेहा ने कहा, उसको कैसे जला सकती हूँ। तांत्रिक ने कहा, यही एक उपाय है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा ठीक है, और उसको अब डेड बॉडी को जलाना था। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज से वह आत्मा तुम्हें छू नहीं पाएगी और तुम आसानी से यह कार्य कर पाओगी। नेहा ने कहा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे इसमें, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो। तांत्रिक बाबा ने कहा, काश चल सकता, मगर मेरे पैर नहीं है। नेहा ने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, वह सच कह रहे थे, उन तांत्रिक बाबा के पैर नहीं थे। मैंने पूछा, यह पैर कैसे कट गए। उस तांत्रिक ने कहा, ऐसे ही कोई आत्मा थी जिसको पकड़ने में गया हुआ था, और उस आत्मा ने मेरे पैरों को काट दिया। तब से मैं केवल उपाय ही बताता हूँ, बाकी आप जैसे लोग इसे खुद से कर लेते हैं, मगर मेरा एक चेला तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। अब नेहा ताबीज बांधकर नुकुल के घर केरोसिन माचिस लेकर पहुंच जाती है। चेला भी साथ में ही आता है, और तभी कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइटें जलने और बुझने लगती हैं, और एक भयंकर सी आवाज आती है कि नेहा तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसी बातें सुनकर नेहा घबरा जाती है। नेहा हिम्मत करके गार्डन तक पहुंचती है और फावड़ा उठाया और बॉडी को बाहर निकालने के लिए खोदने लगी। चेला भी मदद कर रहा था, मगर नुकुल करने नहीं दे रहा था। उसने चेले को हवा में उड़ाकर कमरे में कैद कर दिया। वह नेहा को भी फेंकना चाह रहा था, मगर वह उसे छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके साथ जो ताबीज था वह नेहा की रक्षा कर रहा था। नुकुल चिल्ला रहा था और सामान यहाँ से वहां उड़ाकर फेंक रहा था। नेहा डर भी रही थी और उसके साथ साथ वह अपना काम भी कर रही थी।
उसने डेड बॉडी बाहर निकाल दी। नेहा तुरंत ही डेड बॉडी के ऊपर केरोसिन डालने लगी और उसने माचिस जलाई और उसे तुरंत ही जला डाला। नकुल की बॉडी जल गई। नेहा की जान में जान आई, वह अपने घर पहुंची। दूसरी ओर पुलिस सुसाइड केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं इसकी ही छानबीन में लगी हुई थी। एक महीना बीता भी नहीं कि नकुल के पिता गांव से नकुल से मिलने घर आ पहुंचते हैं। तो वहां पर ताला लगा हुआ देखते हैं तो वह आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं। उन सभी को भी नहीं पता था। नकुल के पिता ने रिश्तेदारों को भी फोन किया मगर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। अब वह घबरा गए थे। वह सीधा हॉस्पिटल में पता करने गए तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उन्होंने हमें ईमेल करके कहा था कि वह गांव जा रहे हैं। यह सब सुनकर पिता और भी ज्यादा घबरा गए क्योंकि नकुल तो गांव में आया ही नहीं। अब नकुल के पिता बिना समय बर्बाद किए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और नकुल के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस केस दर्ज कर लेती है और हॉस्पिटल जाकर छानबीन चालू कर देती है। पुलिस को भी वहां से बस यही पता चलता है कि उसका ईमेल आया था कि वह गांव जा रहे हैं अर्जेंट। फिर पुलिस ने सोचा क्यों ना घर पर चला जाए, वहीं से कुछ पता चले। नकुल के घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला तोड़ दिया और घर में छानबीन चालू कर दिए। घर काफी अच्छी हालत में था, उनको वहां से कुछ भी नहीं मिला। मगर नकुल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसको पुलिस ने देखा तो पता चला कि नकुल के घर नेहा आई थी और उसके दूसरे दिन भी वह आई थी और उसके कुछ दिन बाद नेहा केरोसिन लेकर भी आई थी। अब पुलिस की शक की सुई नेहा पर जा रही थी। उसके बाद पुलिस वालों ने नेहा को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ करने लगे। पहले तो नेहा कुछ नहीं बता रही थी मगर जैसे ही सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाया गया तो वह जोर जोर से रोने लगी और सब कुछ बता दिया कि नकुल कैसे तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में पड़ गया था और वशीकरण करके दुष्कर्म कर रहा था और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की मगर खुद की रक्षा करने के लिए मैंने उसको मार दिया वरना वो मुझे मार देता। क्योंकि उसकी आंखों में खून सवार था इसलिए मैंने उसे मार दिया, वरना तो मैं वहां से भाग रही थी अपनी जान बचाकर क्योंकि वह मुझ पर भी काला जादू करने वाला था। यह सब सुनकर नकुल के पिता कहते हैं तुमने ठीक किया बेटा, मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा यह सब काम कर रहा था। और उसके साथ ही नेहा ने नकुल की वो डायरी भी पुलिस वालों को दे दी जिसमें कि अब तक यह सब लिखा हुआ था कि नकुल ने अब तक क्या क्या किया है। इस डायरी की वजह से दो केस सुलझ गए थे, एक सुसाइड वाला और दूसरा नकुल के लापता का। पुलिस ने आगे रिपोर्ट की और इस खबर को पेपर में भी छापा गया कि एक साइको डॉक्टर मासूम लड़कियों का वशीकरण कर बेरहमी से उनका मर्डर कर रहा था। और इसके साथ ही नेहा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उसे भी कोर्ट से कुछ सालों की सजा मिली और सजा काट कर वे रिहा हो गई। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी।